म्यूजिक टाइम बचता था मेरे तो मुठ मारने की जान नहीं बचती थी और बताओ चारों तरफ सेक्स चल रहा है यार सेक्सी सेक्स चल रहा है क्या करना डार्क भी था वहाँ पे बहुत कुछ चोरी चोरी कर लेते थे बेटर सामान चोरी कर लिया गेस्टो का

ये भाई आए हैं पॉडकास्ट पे मैंने इनकी ईपी सुनी जाओगे ऐसी चंडीगढ़ में बंदे ने हर तरह की ऑर्ड जॉब है एक रैप के करियर के अंदर आने से पहले मैं देखो ऑलरेडी खुश हो रहा हूं क्योंकि मैंने पूरे टाइम अपनी सॉरी अपनी लंडन में कुछ और कुछ और गलत गलत नहीं समझना मैं अपनी लंडन की ट्रिप पे नॉन स्टॉप बागी मुंडा सबके कानों में ऐसे जा रहा था जॉन मन के दुनिया पर राज करने के लिए इस कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको एक झलक मिलेगी बहुत सारे लोग बात करते हैं हम स्ट्रीट से हम होट से जुड़ बोलते हैं फ्रॉड ये हैं, घर बैठे बैठे ऐसी नकली की बातें करते हैं बाकी मुंडा लाइक लाइक दैट इज रियल आई थिंक यू दिस मुंडाइक ऑल्सो क्या ये दोस्का दो हजार रुपए के अंदर हमने फ्लेक्स बोर्ड वाली दुनिया से ठीक है मेरे को चाहिए इस एक मिलियन सब्सक्राइबर्स मैं मानूंगा नहीं और कुछ भी एक मिलियन तो चीज तोड़फाड़ कर दूंगा मैं बदतमीज हो चुका हूँ के तो ये मैं कहना चाह रहा हूं बाकी पोलाइटली तू, शुक्रिया भाई। हमने बात कर रखी है और बहुत सारी ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मैंने पहले में मिला फिर से एक दो शोज पे एक इंटेंस एनर्जी और ये कैमो वाली कैप स्टीरोल ऑफ यू फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये इंसान कौन है फिर तो मैंने गाने सुने को मेरे को मेरा दोस्त है पी आर एक्स के एच एक्स आर उसका ब्रांड है टी शर्ट वाला प्रकर प्रखर उसने, उस, उसने सुनाया फिर फिर उसके बाद मैं स्पेन पहुँचा स्पेन पहुँच के एक ऐसी बहुत दिन तो मैं चिल करता रहा फिर जब एम्बिशन आया ना कि अब कुछ काम करना है तो मैंने स्पेनिश म्यूजिक से स्विच करा अब बाई चांस ऐसा हुआ कि बेताज बादशाह ई का जो कवर था वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है मेरे को पुरानी दीवार पिक्चर या शोले पिक्चर के कवर्स की याद दिलाता है तो मैंने कहा चलो यार इसको क्लिक करते हैं एंड आई आर एड हुड फेम ठीक है अब मेरे मन में ये एक सपना है शुरुआत से कि मैं एक इंटरनेट ऑन्टरप्रन्य रहा हूँ ऑनलाइन फर्स्ट मतलब मेरा सारा काम चले मैं दुनिया भर में घूमू जैसे ये ड्रीम बेची जाती है ना डिजिटल नोमैड वाली तो उसमें यू नो ऑन्टन्योर जे भरके मेरे को बड़ा ऐसा लगा यार ये जो प्रोटैगनस म्यूजिक है ये तो हिट आई डिजर्व टू लिसन टू दिस इन दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट्स हाउ आई गोरिंग टू बे बेताज बाचा ई पी दो लास्ट फ्यू डेज़ इन स्पेन और फिर जब मेरे को लंदन में एम्बिश कदम उठाने थे और बड़े बड़े लोगों के साथ जाके पॉडकास्ट करना था जब मेरी हैसियत नहीं थी उनको रीच आउट करने की तो लंदन की सड़कों पे मैं इमेजिन करता था कि मेरा मीटअप होगा और बेताज बादशाह की जो रील कटेगी एक उस पर मैं आऊँगा और फ़ैन मेरे बॉडी वो वाली लाइन जाएगी और सारे ना नारे लगा रहे होंगे तो मेरे मन में ना वो इमेज चल रही थी वो म्यूज़िक वीडियो कहीं ना कहीं सो इन लंडन आई आई अपसेस्ड ओवर बेताज बादशाह ई

जितने मेरे फैन हैं या जो भी जितने आर्टिकल वार्टिकल डेली जो निकलते हैं वो तो काफ़ी मैंने चीज़ें बता दी हैं इसके बारे में भाई ये है कि मेनली जो मेरा सारा म्यूजिक ही अब तक जो रहा है और जो मेरा मैं बनाता हूँ अभी जो हमने देखा भी आज भी जो रिलीज हुआ है सब मेरा सिनेमेटिक ही होता है इट्स लाइक like, एक अलग ही यूनिवर्स जो है मेरा है ना बागी मुंडा का एक वो जो सब मैं क्रिएट करता हूँ उसमें जो ये थी बेतार बादशाह ये हैवीली इन्फ्लुन्स्ड थी अग्निपथ से पुरानी वाली पुरानी वाली अमिताभ बच्चन वाली वो मैं मैं मतलब उस मूवी के साथ मेरी कुछ पर्सनल मेमोरीज भी हैं बचपन से क्योंकि पापा मेरे सीडीज़ वगैरह लेके आते थे डीवीडीज उस उसमें अग्निपथ थी और जब मैंने पहली बार वो देखी मैंने वो स्कारफेस देखी गॉडफादर देखी सब मूवीज देखी पर उससे उन सबसे पहले मैंने अग्निपथ देखी थी बचपन में डीवीडी तो हाँ नहीं विलन, कहलो भी, एंटी हीरो तो मेरा एक वो था मतलब पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखने के बाद भी जो एक एंटी हीरो जो सबसे ज्यादा मेरे करीब है वो विजय देखी नहीं है मेरे को खाली ये पता कि दो वो एग्जिस्ट करती हैं मेरे को वो वट आई सॉ ऑन द कवर इसकी एक तो आदमी ने बाल काट रखे हैं ठीक है ऐसी आइडेंटिटी है और दूसरा उस टाइम के हीरोज़ एंटी हीरोज़ के अंदर ना एक आज़ादी थी अपने आप को डिक्लेयर करने की अगर mm -hmm. मैं बुरा हूँ तो मैं पूरा बुरा हूँ ठीक yeah. है मतलब देर वॉज नो नीड फॉर एनी ग्रेनेस जैसे आजकल yeah. थोड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर yeah. आ गए हैं कि देखो विलन में भी अच्छा है उसमें भी अच्छा yeah. ही आई मी पर्सनली आई लव द एज से टू डी एरा जब बुराई बुराइए तो पूरी बुराई है अच्छा ही है तो पूरी अच्छा ही है हमार मेरा तो देखो सिंपल है मैं तो कभी बोलता ही नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट म्यूजिक मेरा तो सिंपल है आई एम अ फकिंग सेल्फिश गाय हु वर्क्स फॉर माई सेल्फ वर्क फॉर माई फैमिली एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स इन दिस फक इन वर्ल्ड आई रियली डोंट केयर दैट इज़ माई एटीट्यूड इन लाइफ ठीक है आई वर्क फॉर माई सेट दैट सेट ठीक है एंड देट इज़ अबाउट माई रियल लाइफ उसी उसी उन, उसी प्रवृत्ति से मेरा म्यूज़िक बनता है वैसा ही मेरा म्यूजिक भी है हाँ ये है कि जो चीज़ें मेरी रियल लाइफ में होती है उसको हम बहुत हज़ार गुना खींच देते हैं म्यूजिक के अंदर कई बार लिबर्टी लेते हैं क्योंकि एक सिनेमेटिक मैं उस उस स्टाइल में म्यूजिक बनाता हूँ है ना अब जैसे बेदार बादशाह के अंदर भी थी कि जो लव एंगल था hmm. मेरा एक टाइम पे तीन बंदियों के साथ नहीं चल रहा था चक्कर असल में पर उस एल्बम उस 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 ई के अंदर है वैसा क्योंकि कुछ मेरे दोस्त की लव स्टोरीज थी या इधर मैंने जो देखी उन सबको मैंने जोड़ के बनाया है उस करेक्टर के अंदर मैंने ऐड किए हैं वो इमोशंस है ना तो इस हिसाब से है मतलब मैंने उसके अंदर कहने के लिए ये बात नहीं कही है कि हाँ हम बुरे हैं हम रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ जो जो मेरा एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वैसा ही है बस उसको हम और खींच लेते हैं उसके अंदर यू नो थोड़ा क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैंने म्यूज़िक कम सुना है सिनेमा ज़्यादा देखा है अपनी लाइफ के अंदर एक वक्त था जब मैं जब मैंने रैप करना चालू कर दिया था मैं साइफर्स वगैरह करता था तो सब लोग मेरे को बोलते थे यार तूने जेज ही सुना है तूने ना सुना है तूने ये सुना है मैं डिस्कवर कर रहा था मैं सुन रहा था बट म्यूज़िक <coughs> मैं बनाना चाहता था पर मेरा ज़्यादा झुकाव हमेशा सिनेमा की तरफ रहा है मैं कभी म्यूज़िक वाला वो इंसान नहीं रहा जो लोगों को जाके बताऊँ तू ये म्यूज़िक सुन ये ये आर्टिस्ट सुन मैं वो सिनेमा वाला रहा हूँ मैं कि ये फिल्म देख क्या जाके देख ले हाँ ये ये फिल्म देख तू ये ये एक्टर के बारे में ये है ये है ये इस देश में ऐसी फिल्में बनती हैं ये होता है यू you नो know? तो मेरा वो वाला रहा है बनाता लेकिन मैं म्यूज़िक हूँ तो वो है कि जैसे मेरी मैं फिर उसको यूज़ करता हूँ उसमें उस उस म्यूज़िक को कैसे मैं पैक करूँ और अपनी वीडियोस डायरेक्ट करूं एडिट करूं ये वो बलाबला तो वो चीज उसमें आती है मेरी तो ऐसा है तो हैव यू वॉच डेस्पेरडो डेस्पेरडो कौन आ, कौन सी रॉबर्ट तो रोड्रिगेज जो डायरेक्टर है यार मैंने सुना है मैंने देखी नहीं है ये नहीं देखी है स्कार्फेस तो ऑब्वियसली देखी होगी तो देखी है स्कार्फेस तो बहुत जरूरी है

हुआ ज़्यादा वो वाली है वो तो वो है पर स्क्रिप्ट काफ़ी रियलिस्टिक लगती है मेरे को वो वो जो स्टोरी है वो मेरे को काफ़ी रियलिस्टिक लगती है मेरे को देख के लगता है कि यार दिस कैन हैपन एंड दिस कैन हैपन टू मी ऑल्सो क्योंकि आई एम द सेम गाय आई एम नॉट सेलिंग कोके इन बट आई एम द सेम गाय इन माई प्रोफेशन आई हैव कम फ्रॉम बिल्कुल एकदम नीचे से ठीक है जब मेरी नई भी औकात थी लोगों की लोगों से लड़ने की तब भी लड़ रहा था उनसे किस अपने से बड़े लोगों है? से बहुत बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे नहीं हाथा पाई नहीं इन सेंस कि यू नो जहाँ मैं मेरे को लगता है कि uh, इतना मैं टैलेंटेड नहीं भी था बट आई यूज टू से दैट आई एम द बेस्ट ठीक है आई यूस टू लुक कोकी इन फ्रंट ऑफ पीपल बट आई टू बी लाइक नहीं यू नो आई नीड अ चांस बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट आई एम को गेट इट मैं इसको खुद लूँगा यू नो इंडिपेंडेंटली करना सब चीज़ों को ये वो बुला बुला और जैसे हम बात कर रहे थे थोक में म्यूजिक बनाना है you न know, तो वैसा था तो मेरे को काफी वो लगता है पर उसके एंड से काफी डर लगता है तो वही वही सब चीज़ों को इसी वजह से मैंने बेतार बादशाह बनाई थी कि थोड़ा जब हम ज्यादा ही बाहर जाने लगे एज अ पर्सन क्योंकि मैं मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा एक नार्सिस्टिक अप्रोच है मेरी अपने प्रति आर्टिस्ट है हाँ तो है। लेकिन वो एक हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए न मेरा खुद का ही म्यूज़िक है मेरे पास अब देखने के लिए दूसरों से तो मैं क्या एग्जांपल लूँ मैंने खुद ही बनाया है एक ऐसी चीज़ जहाँ जहाँ मैं देख सकता हूँ बेदर बादशाह के बहुत सारे ट्रैक है जैसे हुड फेम में ऐसे कई लाइनें हैं कि, कि यू नो कि मैनू जज करने वाले मेरी जगह तो लंगे ही नहीं तो जैसे अभी मेरे को कई बंदे बोलते हैं यार ये या ऐसा क्यों है वैसा क्यों है कोई कई बार हर्ट कर जाए कोई चीज़ तो मैं वो गाना सुन लेता हूँ एक अद्धि लाइन वो मैं खुद भी बूस्ट हो जाता हूँ अपने म्यूज़िक से कई बार पर अपनी गलतियाँ नहीं देखती खुद जैसे आदमी कई बार सुनता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कुछ भी सामान सुनूँ या देखूँ या कोई भी और आर्टिस्टिक चीज़ बनाई है दूसरा इंसान फ्रेश आई से देख रहा होता है हम देख रहे होते हैं उसको सत्तावन भी बार मैं मेरे को लगता है वो जो चीज़ ना कि यार इसको और ठीक किया जा सकता है मैंने छोड़ दिया अब मैं नई चीज़ बनाता हूँ हर बार पुराने की मेरे को टेंशन ही नहीं है वो मेरे को सच में टेंशन नहीं है क्योंकि वो पता है कहाँ तक मतलब आई एम नॉट आई डोंट नो अबाउट अदर आर्टिस्ट मेरे को अपना पता है वो ये है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट तब तक आता है जब तक आप श्योर नहीं होते अपने पोटेंशियल का मैं श्योर हूँ आई नो हु आई एम एंड आई नो हाउ ग्रेट आई एम आई नो दैट मेरे को उसका कोई टेंशन नहीं है कि इसको कितना और अच्छा किया जा सकता था ओब्वियसली किया जा सकता था बट टाइम नहीं था भाई डालना है इसको ख़त्म होगी बात अब नहीं डालूंगा तो कब डालूंगा क्योंकि और काम भी तो करना है ना मैं एक टाइम पे दो दो टेप्स पे दो एल्बम्स पे ऐसे काम करता हूँ अभी मैं दो प्रोजेक्टों पे काम कर रहा हूँ तीन वीडियोज पर काम कर रहा हूँ मैं एक चीज़ पर अटके नहीं करता क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ फिर या मैं बहुत ज़्यादा खज्जल खुवारी कर लेता हूँ फिर अपनी उस चीज़ पर अगर एक चीज़ पे बैठा रहूँगा छः महीने तो बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली एग्जॉस्ट कर दूंगा मैं प्लस कितना सारा इंस इमोशन एक चीज़ पे राइड कर रहा है कि भाई ये चले ना चले आई थिंक मेरे को भी पसंद है कि दो तरह के अप्रोच होते हैं एक होता है स्नाइपर अप्रोच आप गाए हो जाओ एक साल में ऐसी लेकर गांड फाड़ दे एक मशीन गन आप इतने हिट करो कि आपका कोई ना कोई तो लग ही जाता है वो तो है ही है पूरे अभी जो ये सीन है इसके अंदर भी मैं ही बंदा हूँ जिसने इस साल में दो ऐसे प्रोजेक्ट निकाले हैं जो एक संजू एंड सलू है जो फकिन क्या बोलते हैं पूरा एकदम ऐसे 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 पागल करा देता है लोगों को क्लब में जब मैं शो करता हूँ और एक बेताल बादशाह जो रुला भी देता है लोगों को तो वो और कौन कर रहा है यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है बट वही चीज़ है उसको मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे को पता है मैं कैसे कर रहा हूँ फ्रेडरिक नीचे से क्या ताल्लुक है उससे ताल्लुक थोड़ा फिर मेरा दोस्त है एक अशांतनु करके वो बड़ा पॉइंट पोइट है उसने मेरे को एक किताब दी थी

Albert, और, वो वो के बारे में हाँ, हाँ, तो ऐसे ही फिर हम भी भी बोलते हैं ना उसको भाई भाई मैं मैं नहीं नहीं मेरे 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 को भी लोग नीचे बोलते, यार पढ़ लेता बोलते। हाँ। मेरे से नहीं होता माफ करना है। ये थोड़ा मुश्किल है काम लिए पर मैंने पढ़ा उसमें एक उसका मतलब था बताने का मैंने क्ला कॉलेज में पढ़ा था मैं डिप्रेस हो गया था नीचे पढ़ने के बाद ना पहली बार मेरी फट गई थी का, क्लास थी एग्जिस्टेंशलिज्म उसमें सारे ये पढ़ाए थे तो कह रहा कि गॉड इज डेड अब उसके बाद हमें मीनिंग खुद बनानी मेरी मतलब इट वाज सच अ रेवलेशन हमें मैंने मेरे ख्याल से मैंने इन को आंसर दिया है अपनी तरफ से आई थिंक आई हैव लाइक इट्स लाइक गॉड टॉक टू मी ऑन दैट सॉन्ग गॉड इज डेड पे मेरे को अभी भी मैं कई बार बहुत बंदों से बोलता हूँ मेरे को लगता है कि यार जैसे वो सच बात है मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा मेरे को ऐसा फील होता है कि वो जैसे जैसे गाना मैंने लिखा नहीं है आई कैन नोट टच दैट वर्स जो सेकेंड वर्स है आई कैन नोट टच दैट अगेन आई कांट उस स्पेस में क्योंकि वैसी कोई स्पेस ही नहीं होती लिखने की भगवान के प्रस्पेक्टिव से लिखने की कोई स्पेस नहीं है मतलब हिप हॉप में या कैसे यार मैं आई डोंट नो हाउ टू टच इट अगेन या क्या और और जो so से वर्जिनिटी भगवान तो नहीं भाई ये बात है। आ, नहीं वो लेकिन फर्स्ट वर्स में है ना वो तो मैं बोल रहा हूं वो बेदार बादशाह बोल रहा है वो एक कैरेक्टर बोल रहा है मेरा वो एक रैपर पर्सोना बोल रहा है पर जो सेकंड वर्स है वो उसमें भगवान जवाब देता है होता है क्या है गोड इस डेड में फर्स्ट वर्स में वो गाना गा रहा है वो अपनी लाइफ बता रहा है कि वो इतना मतलब ऐसोल क्यों है इतना ऐसोल है और क्यों है उसका एटीट्यूड है बिकॉज उसकी तरफ से भगवान मर चुका है और उसको कोई मतलब वो अपने उस पर है तो वो कुछ भी करे उसको उसको जज करने वाला कोई नहीं उसको एंड में सजा देने वाला कोई नहीं उसको किसी का खौफ नहीं है लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है मिडल में गाने के और जब सेकंड वर्स स्टार्ट होता है तो सेकंड वर्स में भगवान उससे बात करता है तो सेकंड वर्स जो है वो भगवान की तरफ से है कुछ कम्स आफ्टर द जो उसकी डेथ के बाद आता है hmm. वो चीज़ है और भगवान फिर एंड में उसको एक्सेप्ट करता है कि कोई बात नहीं तू जैसा भी है मेरी गंदी औलाद है तू मेरे गले लग वो चीज़ है वो टच करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए द्वारा भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं किसी का म्यूज़िक लग जाता है आदमी को एकदम अच्छा लग जाता है हो सकता है इफ़ आई नेवर सॉ योर शो और मेट यू ब्रीफली देन

ऐसा क्या चल रहा था उन्होंने बताया कि मैं आई वुड डू फिजिकल वर्क राइट वॉट वॉज दैर अबाउट I used to work as a waiter in Taj Hotel. Hmm. Not like. तो पेशाब पर... करा किसी की कि उसमें fight की नहीं, तरह? नहीं 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 भाई नहीं बहुत इज्जत से काम किया है उस काम को वो क्योंकि उसने बहुत इज्जत दी है उस काम ने मेरे को उससे पहले मैं बाथरूम साफ करता था होटलों के तो जब मेरे को serving का काम मिला तो ये it was a, you you did it out of like, घर से नेसेसिटी हाँ, भाई मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के एक तबके से आता हूँ मैं और लाइक पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे थिंक फिफ्टीन तो मदर थी मेरे साथ उनके अपने इश्यूज़ थे मदर के जो भी थे और यू uh, नो you know, और हम हम uh, मैं ड्रॉप आउट हो गया था टेंथ के बाद पढ़ा नहीं तो मेरे पास तो का टेंथ की भी सर्टिफिकेट नहीं था स्कूल से लिया हुआ तो नौकरी नहीं थी कुछ नहीं थी नया गांव आया मैं और वहां से मैंने नया गांव जो आउटस्कर्ट है जैसे मैं आपको बता रहा था चंडीगढ़ का वहाँ से एक नई लाइफ स्टार्ट करी मैंने काम ढूंढना स्टार्ट करा चंडीगढ़ में ये वो तो अनस्किल्ड बंदे को क्या काम मिलता है उस टाइम अनस्किल्ड बंदे को कपड़े की दुकानों पर काम किया केमिस्ट्री के पास काम किया केमिस्ट्री की दुकानों में क्या केमिस्ट्री की दुकानों में पहले तो आपको यही होता है कि पहले तो पे नहीं करते हैं दो उस टाइम पे पे भी तो हाँ, पढ़नी पढ़नी नहीं ना डॉक्टर डॉक्टर की अच्छा। वो पढ़नी वो है वो? पता लग जाती हैं यार धीरे-धीरे क्या है। फिर कौन सी कहां पे रखी हैं है। किस किस की वो पता लग जाती हैं फिर ये है हिसाब किताब होता है अनलोड लोडिंग होती है पचास चीज मैंने करा होगा एक महीना करा होगा क्योंकि अच्छा वो होता था यार घर पे ऐसे फांसी लेने को मन करता था कि पैसा जेब में ना हो काम ना हो तो बाहर ऐसा था कि चल कहीं पे सारा सीखने को ही मिल जाए कोई हाँ। नहीं है ना फिर जिम में काम करा डंबल रखने का करने का हाँ। वहाँ पे वो उस्ताद बोलते थे हम उनको तो नया गांव में ही तो उन्होंने फिर एक्सरसाइज करानी भी स्टार्ट कर दी तो वो खाने को दे, दे देते थे हाँ। पैसे बहुत कम देते थे मेरे को चार हजार मिलते थे महीने के उस टाइम पे चार हजार से मेरा मेरे ख्याल पैंतालीस सौ रुपए था, रेंटी था में वहा पे जब मैं ये काम कर रहा था और इससे भी पहले मैं बचपन से ही करता रहा हूँ यार मैं तो नौवीं दसवीं क्लास से ही काम करता रहा हूँ तभी भी ऐसे ही मतलब तभी दुकानों पे काम करना कपड़ों की दुकानों पे ये वो तो मेरे को, को पता था क्या सूट के काम है? सूट की दुकान नहीं रेडीमेड कपड़े होते हैं जो रेडीमेड दुकान के अंदर का क्या वातावरण होता है दुकान वाला सुबह शटर है भाई वो तो मैं मैं बताऊं बहुत छोटा था मजा तो आता था ऐसी बात नहीं है ठीक हाँ। है उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता था कि अगर मेरे को महीने के दो हजार तीन हजार भी मिल गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ना हाँ। और दुकानदार दुकानदार नहीं क्या अच्छा कहते हैं कि भाई भाई आओ ये कपड़े रख दो पर नीचे या कस्टमर को दिखा दो कस्टमर को दिखाओ हाँ सफाई करो सफाई भी लड़के ही करते हैं सारे सफाई करो स्टॉक आता है उठा के उसको सेटल करो पूरा लगाओ ठीक है फिर वो निकाल लो स्टॉक, फिर जो रखा हुआ स्टॉक है उसको साफ करो ठीक है फिर चाय लेके आओ है ना दुकानों से जाके चाय लेके आओ बड़े ग्राहक आ गए यार बदतमीजी तो मैंने इतनी सही है लाइफ के अंदर कि अब मैं भूल गया हूँ ठीक है मेरे को याद ही नहीं है मेरे मेरा एक दोस्त है मैंने उसको भी कुछ वक्त पहले ही कह रहा था मैंने कहा यार अब ना एक एटीट्यूड सा आ गया है कि यार हमको ऐसे ट्रीट नहीं करा ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं नहीं करा करा मगर कभी कभी मेरे को यकीन नहीं होता इज्जत मिलनी स्टार्ट हुई है लोग आप क्या खाएंगे क्या करें वो करें तो वो सीन है थोड़ा उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो चीज़ हो गई ना कि आदमी चलो एक तो चलो अपने रोजगार के लिए लड़ाई कर रहा है पर डिफरेंट 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 जॉब्स के अंदर कुछ ना कुछ तो एक क्या सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट आ गई होगी यही तरीका है अभी बिल्कुल तो बिल्कुल भाई बिल्कुल यार बिल्कुल मुझ में क्या मेरे ख्याल से बहुत सारे लड़कों में आ गई हाँ वो कलाकार नहीं बन सके उनको ये माइक नहीं मिला ये बोलने के लिए वरना जहाँ पे मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे सब सब सभी लड़कों में इंस्टिंक्ट है वो जिनके साथ काम जिनके साथ यार दो साल ढाई साल पहले दिहाड़ियाँ रहा था तो वो आज भी रेडे चला रहे हैं नया गाँव में जब रेड़ी रेडी रेडी चला रहे हैं नया गाँव से अब निकलता हूँ तो वो बागी मुंडा बागी मुंडा करते हैं आए आई एम इन स्टेट अभी ऐसे कि अभी मैं अगर कूड़ा फेंकने को रात को जाता हूँ ऐसे टोपी नीचे करके वो पांच छह लड़के मिल जाते हैं में जो पहले काम करते थे साथ में काम करते थे वो वैसे मिल जाते हैं फैंस कि बाकी मुंडा बाकी मुंडा भाई ये वो अभी वहाँ पे तो वो उस उस साल दो साल में इतना फर्क पड़ गया भाई फिर भी, भी मतलब ये तो बड़ा एक कमाल का स्विच है मैं तो भाई, मैं तो तो भाई मूवी जीतता हूँ लोग तो देखते हैं मैं तो आई एम लिविंग दैट 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 एंड आई थिंक बिल्ड्स

कि भाई कपड़े पहने कैसे कोट पैंट मैंने यूज़ किया ये बेतल बादशाह में क्या ये वही वेटरो वाला ही है बस मैंने कोट खरीदा है पैंट और बास्केट और ये वो सब शर्ट्स और सब उनकी है आ, यार उन्होंने मेरे को एक चीज़ ये सिखाई कि अगर अगर मैं आपको सर्व कर रहा हूँ तो मैं इससे कोई छोटा नहीं हो गया अपने अपने मन में वो चीज़ नहीं रखनी कि यार भैन ये साला एक अपर क्लास भैन चो इस पर बैठा हुआ है और मैं ये कर रहा हूँ नहीं भाई यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू अर्न इट ठीक है दैट्स इट दैट्स वट आई लर्नड देयर यू हैव टू वर्क और जब मैं कर लूंगा काम तो दुनिया मेरी इज्जत करेगी बात ख़त्म हो गई यही जिंदगी है वो मर जाएंगे फिर खत्म है यही तो है हाँ लेकिन मन में अपने बहन तो वो कुड़ते रहना और वो करना उसका कोई फायदा नहीं है जो कि बहुत होता है मेरी बरादरी में मेरी बरादरी में इन सेंस की क्लास की बात कर रहा हूँ मैं hmm. एक तो क्लास वोर है ही है जो मेरी बात से भी पता लगता होगा कि मैं लड़ता ही रहता हूँ वो तो ठीक है पर एक अननेसेसरी क्लास वोर भी है वो मेरा ख़त्म कर दिया उसने ताज में सर्विंग के काम करने से फ्लश hmm. साफ करने से वो मेरा खत्म हो गया आई थिंक यस एंड जनरेशनल वेल्थ वालों से मैंने जलना बंद कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा right? yes, होता है यार हमने मेहनत करी है यहाँ पे पहुंचने के लिए इसके बाद ने इसको पैसा लगा के बना दिया सो वट मैन इट इट इज इज सो वट अगर वो बंदा नहीं भी पहुंचता यहाँ तक तब भी मुझे तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ती ना इट्स अबाउट माई थिंग वही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना आई वर्क फॉर माई सेल्फ आई सी माई शेट ठीक है मेरे को उससे मतलब है भाड़ में जाए बाकी के लोग और ये मैं बहुत इज्जत से कह रहा हूँ कि लोग भाड़ में जाए इन सेंस कि भाई मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ उस उस तरीके से जब मेरा आज में वेटर वाला काम चल रहा था तो उस टाइम मन में भगावत तो होती होगी यार मैं ये क्या काम कर रहा हूँ बहुत होती है? थी मैं तो हम, हम तो लड़ पड़ते थे कई बार बहुत ज़्यादा पता है क्या सीन मैं बताता हूँ पंजाबियों में ना एक चीज़ है कि हम ना उल्टी चीज़ों पे ऑफेंड होते हैं जिन पे ऑफेंड होने का कोई मतलब नहीं है जैसे जैसे आपने मेरे को अपने घर में बुलाया आपने मेरे को कॉफ़ी ऑफर करी फिर आप इधर चले गए पंजाबी इन सेंस की नहीं सारे पंजाबी नहीं बट कुछ ऐसे हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो सारा बैठा ही नहीं आ रहा हम हम यहाँ पे पैनचो चूती है हमें आगे बैठे हुए हैं ये बैठा नहीं होता पाँच मिनट भी काम कर रहा है भाई वो हम बहुत अड़ख पे ले जाते हैं पैं चो एक ये नहीं 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 तो यहाँ गुजर हरियाणा हरियाणा चलो गुजर हरियाणा है या जो भी है तो सीन वो वहाँ पे लेबर में क्या होता था वहाँ पे यार मेरे साथ ज़्यादा बंदे बिहार के थे ठीक हाँ. है या हिमाचल के थे ठीक है या फिर थे गढ़वाली बंदे थे मेरी बहुत बनती थी उनके साथ क्योंकि वो बहुत मेहनत कश थे बंदे मैं नहीं कहता पंजाबी मेहनत कश नहीं है, है पर मेरे को अपने आसपास पास वहाँ पर दिखे नहीं ठीक है सिंपल सी बात जो मेरा वहाँ पे माहौल था मैंने जो बंदे देखे मेरे साथ मेरे साथ वाई उन बंदों का पड़ा मतलब मेरे साथ काम ही उन बंदों के साथ ज़्यादा मैंने किया है जो वहाँ से थे ठीक है तो बड़े मेहनती बंदे और ये वो और किसी की बात भी सुन ली सिर झुका के कोई बात नहीं काम कर रहे हैं अपना है ना वो है। हमारा बहन ब्लड दूसरा बहन कोई गाली देते तो बहन दिमाग खराब हो जाता है यू you नो know? और चार लंडे इकट्ठे करके मैंने बहन चलो ऐसे सोचना कि हाँ माँ चोत देंगे इनकी ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं आएंगे ये नहीं आएंगे ना मत आओ भाई अगले बोलते सामने से सम कोई दिक्कत नहीं आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा तो जब फर्स्ट टाइम ये तो कोई ट्रेनिंग होती होगी सिखाते होंगे कि अब कस्टमर से ऐसे बात करनी है हेलो सर हाउ आर यू मैच मेरी इंग्लिश मेरी इंग्लिश पहले से सही थी जब मैंने मैं दसवीं जब करके हटा तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी उसके बाद जो मैं पढ़ता था किताबें और मूवीज़ देखता था तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी थी और शाड़ा टू मार्क्स अगर पर फोर फेसबुक यू you नो know? <laughs> तो फेसबुक रियली हेल्प मी तो वहाँ से मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी थी टू जी नेट होता था तो तब तो चलाते थे दो हज़ार चौदह में पंद्रह में तो वहाँ पे तो इंग्लिश अच्छी होगी अपनी तो जब मैं वहाँ पे बैंक हॉल में जब बेटरी वगैरह करने भी लगा तो उनको पहले ही पता था कहते स्मार्ट दिखता तो है ही है बोलता भी स्मार्ट है मूव भी स्मार्ट तरीके से करता है हर चीज़ है ना कैसे क्या करना है क्या नहीं है तो एक होता है थोड़ा कंधे से हाथ जो है ऐसे घुमा के आप अपने जो है पेट तक लेके आए फिर वहां से ग्लास उठाएं और रखें अच्छा फिर उनसे पूछें कि आप और क्या लेंगे इंग्लिश में, हिंदी, हुए। हुए। English में English हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता तो, तो ही तो होगा हाँ, पर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं इतना कुछ होता नहीं है अच्छा। इतना कोई मैंने भी केटरिंग और वेटरी का काम करा है अच्छा। पर नहीं करा ऑब्वियसली बाहर जब मैं था कॉलेज में फंड्स करने के लिए पर इसमें हाथ की नजाकत थोड़ी अलग सी होती है अगर उसमें सामान बहुत यार मेरे को तो मैं सची ऑन गोड़ मेरे को तो बहुत मजा आता था मज़ा आता था मेरे को क्योंकि यार काम इतना भागने दौड़ने वाला था हाँ। किचन में जा रहे हैं बहन चो शेफ़ लगे हुए हैं इतनी चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं आप यू you नो know, पूरी ट्रेसो धक्का लगा रहे हो उनको और जा रहे हो और बर्तन यहाँ से जा रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं भैन चो ये ले जाते ले जाते एक पीस मुंह में डाल लिया वहाँ से ये कर लिया वो कर लिया मतलब बड़ा मज़ा आता था यार बहुत बहुत मैं कहता हूँ मैं तो मुझे मुझे परमानेंट जॉब ऑफर करी था आज में उन्होंने कि तो जॉब कर ले मैंने कहा मैं नहीं करूँगा उन्होंने बोला कि क्यों मैंने बोला सर मैं ना मुझे मेरा पता है मैं जो काम करता हूँ ना मैं फिर वो पूरी लगन से करता हूँ मैं बनाता हूँ म्यूजिक ठीक है साइड बाय साइड अगर मैं ये करने लग गया तो फिर मैं यही करूँगा और मैं सबसे ऊपर पहुंच मुझे पता है हाँ। फिर मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा किसी ताज फिर जनरल मैनेजर फिर मैं होटल खरीद लूँगा एट दी हाँ। एंड पर मेरे को ये करना नहीं है पैसा कमाना लाइफ में अंदा बट यहाँ से नहीं कमाना यार यहाँ से मेरा मन नहीं है मतलब मैं अपनी वही मैं जैसे आपसे भी इस बोर्डगा से पहले ही बात कर रहा था कि मैं भगवान से मानता हूँ मेरे, मेरे को मेरे, को फिजिकल काम दे मेरे मेरे शरीर को रगड़े पूरा जितना रगड़ सकता है पर वहाँ पे जहाँ पे मेरा मन है मेरे को यहाँ पे काम चाहिए वहाँ पे वहाँ पे नहीं काम चाहिए वहाँ पे तो चलो गुजारा था पर हमने हंस के किया पूरा काम मज़ा आया अपने को सीखने को बहुत कुछ मिला और कोई सज़ा होती है लाइक इफ़ यू ब्रेकअप लेट और समथिंग लाइक दैट पैसे काट लेते हैं बस बस हम हाँ, बस कुछ नहीं है और और ज़्यादातर ज़्यादातर ऐसा होता है आप काम अच्छा करो यार आप जलादों में थोड़ी ना वो भी इंसान है यार वहाँ पे आप काम अच्छा करो हाँ। तो लोग देख मतलब वहाँ पे भी सब सब यार स्टाफ देखता ही है कि यार बंदा अच्छा काम करता है कोई बात नहीं गलती होगी माफ कर दो नहीं तो फिर थोड़े पैसे काट लो बात खत्म होगी ज्यादा नुकसान करोगे तो पैसे काटेगी यार अब आपके देखो हर आपके भी ऊपर बंदा काम कर रहा है उसको भी जवाब देना है ना तो वही चीज़ है फर्स्ट टाइम तो एक डिफरेंट सोशल क्लास से इन जॉब्स के दौरान पाला पड़ा अब जैसे वहाँ पे बड़े लोग आते होंगे चंडीगढ़ के hmm. जो नामचीन होते होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में yeah. hmm. आपको ग्रीट करते हो वहां ऐसा लाइक डिड यू फर्स्ट फाइन कैट मेरे को ऐसा बनना है बिकॉज यूर इन कॉन्टेक्ट विद लाइक द रिच रिच बनना तो क्या आखिर गाली ही देते थे हमें इसको देख इसका यही होता था तो कुछ नहीं बस यही होता था बट कुछ एस्परेशन जैसे मैं समझता हूँ जैसा देखो मेरा मैं, मैं बताता हूँ हम काम करें हमें टिप से मतलब होता था हम हम देखते थे कि कहाँ से टिप आ सकती है और जो है उनको सर्विस अच्छी दी जाए कहाँ से टिप आ सकती है कहाँ से टिप आ सकती है मैं किस किससे आ सकती किस 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 से आ है किस टाइप की किससे आ सकती है एक तो जो थोड़ा सा जो दिखा नहीं रहा वो अमीर है पर दिख रहा है अमीर है कैसे भाई पता लग जाता है भाई वो लग जाता है पता ठीक है कि ये ये सारा ये देगा पैसे ओ तो फिर दारू बहुत पी रहा तो फिर तो फिर तो बहन उसकी उसकी हाँ। चौदह उसकी तरफ जाता रहेगा बस ही ना थोड़ा टिप अच्छी लेके आता था भाई मैं था और मैं मेरा ये होता था दिहाड़ी मेरे को इकट्ठी मिलती थी टिप डेली की मैं अपनी माँ को दे देता था जितनी मेरी बनती थी अभी लास्ट कुछ महीने पहले जब ये अपना गर्मियों के कपड़े लेने गए मैं और मेरी मम्मी वहीं हाँ। बाई सेक्टर मार्केट है हमारे चंडीगढ़ में तो हम खाना खाया हमने और बिल आया साढ़े चार सौ का चार सौ तीस का आया होगा मेरे ख्याल से इतने का था मैंने देखा मैंने पाँच सौ का नोट रख दिया मैंने उसे हाथ मिलाया लड़के मैं कहा थैंक यू भाई ठीक है हाँ। मम्मी को लेके आ गया बाहर मैं बोले कितने पैसे बने मैंने कहा चार सौ तीस कह रही अच्छा तुमने पाँच सौ करोड़ हाँ कहिए अच्छा किया जो सत्तर रुपये मतलब तूने टिप दी हाँ। अच्छा किया कहिए मेरे को याद है जब तेरे को ही मिलती थी तू मेरे को देता था आके तो वो चीज़ थी तो मैं मैं तो उस टाइम मैं अंदर से बड़ा मेरा अभी देखो मेरी आंखें ऐसे हो गई हाँ। एकदम से ना तो वो जब मेरी माँ ने मेरे को बोला ना मैं कहा भाई सही बात है सही बात है वो क्योंकि अब हमको नहीं पता वो भी जाके मतलब ठीक है आई डोंट नो दुनिया के लिए कैसी बात कैसे कि, कि, किस तरीके से समझें पर मेरी और मेरी माँ का वो ऐसे। है ऐसे हम तो कभी बार सोचते हैं ऐसे आप लोग साथ में चीज़ हाँ, गुजरे होना हाँ तो, तो आपको पता है तो हाँ हम लोग ऐसे सोचते हैं कई बार कि जैसे तू मेरा मेरे को याद है कि जैसे मेरे को दिन के अस्सी रुपये भी हो गए ट्रिप तो वो मैंने आके रख देने मम्मी का छोटा सा पर्स था वहाँ पे रख देने और सुबह निकल जाना मैंने सात बजे उस पर जब मैंने जाना उसने देखने की हाँ एक कल इतने दे के गया था ये इसके टिप के पैसे हैं हम सारा दिन वहीं पर वैसे ही लगे रहते थे कि चलो हमको वो तो मिलना मिलना है पर टिप लेके जाए बैग उठाते थे लोगों के काम भी नहीं था हमारा बैग उठाते थे लोगों के बैग उठाने लेके जाने बाहर सामान छोड़ना गेट तक छोड़ देते थे किसी चक्कर में ये टिप मिले ऐसा नहीं है कि कोई उसको उस तरीके से कि कोई दे के नहीं गया तो गालियाँ नहीं मतलब एक फ्लो में था मज़ा भी आता था खुशी मिलती थी hmm. अब वही जब यहां से म्यूजिक से पैसे आते हैं मुझे या जो भी मेरी कमाई है अब मैं माता को ही देता हूँ मेरी तो अकाउंटेंट एक ही है अब उसके पास ही है सारे पैसे उसको जाते हैं लेकिन सेम ही खुशी मिलती है ऐसी बात नहीं मेरे को अभी भी सेम ही खुशी है मेरे को पैसे देके अमाउंट बढ़ गई है बस uh. अमाउंट बढ़ गई है

वेटर लगा फिर वेटर से पूरा रूम वगैरह साफ और सेट करने लग गया फिर वहां से मैं रिसेप्शनिस्ट लग गया था उसी हाँ। में ठीक है तो जब मैं वहां पहुंचा ना जब मैं रूम भी साफ करता था वॉशरूम वो चढ़ते थे एक एक घंटे के लिए ठीक है? तो कबर खोला वो शायद में तो वो वाला होटल था हाँ तो गीले कौंडम पूरे तीन चार अब उसको साफ करो अब चादरें गिली हैं उनको निकाल लो और वॉशरूम ये सब चीजें फिर वो फिर वहां पे मूड सारा खराब हो जाता था कि यार ये नहीं फिर वो कर, वो कर लिया चलो हमने मैंने चार पांच महीने काम किया होगा वो करते करते हमारे पास रूम बहुत कम से सात आठ रूम थे तो रिसेप्शन में भी काम करते थे नहीं नहीं यार रेड क्या बढ़नी यार अच्छा यहाँ तो क्या, क्या यार लड़का लड़की लीगल क्या दिक्कत है भाई ये बताओ जैसे ना अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देखा है कि बहुत सारे लोग अब ओयो में जाते हैं अब तो खैर होटल में भी चले जाते हैं तो होटल का स्टाफ जज नहीं करता ओयो का कम जज करता है लेकिन जो वो डूबियस मिडिल टेरिटरी होती है ना वो देखते थे जरूर है अच्छा अब ये जाके कुछ सीन करेंगे भाई भाई तो एज अ रिसेप्शनिस्ट तुमने तो देखा होगा सबको कि कौन जा रहा है है जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा कम होती थी या कुछ लगता तो पैसे ज्यादा ले लेते थे वो तो फिर पावर हमारे हाथ में थी ना उस टाइम पे अब मैं जहाँ काम करता था उसका जो बड़ा मालिक था हाँ। उसने बोला था ऐसे काम नहीं होंगे जो उसका लड़का था उसने बोला था ऐसे काम तो होंगे हाँ। पैसा ज्यादा लगेगा उसने उसने कर दिया बोला था भी थोड़े पैसे ठीक तो लो थोड़ा दबा दो छह सौ तो का रूम है हाँ। तो हजार में लगाओ दे देंगे एक घंटे के लिए दे दो कोई बात नहीं और यार वैसे भी मैं तो मैं तो हूँ ऐसा इंसान लोगों का भला करके मुझे अच्छा लगता है अब बच्चों का भला हो रहा है तो मैंने कहा होने दो बड़े श, कर शर्मा कर शर्मी में आते हैं ना लेकिन इंडिया में लड़कियों ने है। तो मुंह ढके होते थे हमेशा हाँ। कपड़ा बांधा हुआ पूरा तो आधार कार्ड नहीं, नहीं था, था। आधार कार्ड पे फिर फोटो देखते थे बस उनकी अच्छा अच्छा ठीक है भाई ऑल द बेस्ट ग्रेट वो जेरॉक्स मशीन पे रखा था करने के लिए नाइस जोक्स देख रहे हैं नाइस सही हेलो बढ़िया

काम तो है भाई काम अच्छा है <laughs> तो वो सीन था उस टाइम पे ये था कि मेरे को दूसरा उनका एक और होटल था तो यहाँ से जब ऑर्डर आता था वहाँ से आता था ऑर्डर बन के वो लेने नहीं जाता था मैं बारिश में या कैसे भी भाग के जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ फिर ऊपर सबसे ऊपर किचन में क्या गर्म किया फिर उसको डाला फटाफट प्लेट में फिर सर्व किया हाँ। वैसा सीन था मेरा फिर आ गया रिसेप्शन में फटाफट काम उसमें थोड़ा ऐसे

मैं पहले एक बार क्या पहला जो मेरा पहला इंटरेक्शन लाइफ में दल्ले का क्या था भाई हाँ। मैं देखो बहुत शरीफ घर से आता हूँ ठीक <laughs> तो है <laughs> अब मेरी तो माँ आज भी सुन लेगी अच्छा तू मैं जब होटल में ऐसा ऐसा करता था तो हाँ। वो तो मेरे को मार ही दे खैर तो पहला मेरा इंटरेक्शन था मैं ऐसे बैठा हूँ मेरे साथ एक और होता था रिसेप्शन पे लड़का मेरी नाइट ड्यूटी थी वहाँ पे ये कोई और होटल था और एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम ही है ना मैं ना कहीं से भी गुजर आता हूँ ना मेरे दोस्तों के साथ डॉक्स के साथ ही बड़ा होता है तो कहीं से भी गुज़रता हूँ मैं क्या हाँ मैंने यहाँ भी काम किया है मैं यहाँ पे भी काम करता था मैं इधर भी काम मांग रहा था इधर हाँ। भी वो पाया था भाई प्लीज़ भाई प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे मत सुना तेरे बहन चो किस मेरा हर जगह पर यही होता है भाई ये अलग होटल में था मैं वहाँ पे दिन को जो रिसेप्शन पे होता था वो शाम को सात बजे वो ऑफ मैं आता था रात को बैठता था और आधी रात को सो जाता था लोक होता था कोई आ गया गैस तो इन कर दिया मैं आया मैं बै... मेरे को ना थोड़ा जल्दी बुला लिया उसने बजे कहता आ, आ जा मैं ठीक मैं है भाई मैं आ गया कहता मैं आया जरा मेरे को बिठा के चला गया मेरे को जाना कहीं गया वो कहीं नहीं एक अपने ही होटल के ऊपर वाले रूम में चला गया और तभी उन्होंने देखा लड़की आई तो मेरे को फोन आया कहता आने दे वो गई ऊपर कमरे में मैं चलो ठीक है सही है बढ़िया है बैठा हु मैं बैठा हूँ मैं ना सीसी टीवी पे देख रहा हूँ हमारा पीछे का दरवाजा था पीछे का गेट था वहाँ पे कोई बंदा ना गेट के पास स्कूटी लगा के खड़ा है खड़ा ही है का, वो काफी टाइम हाँ। से मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ कौन है कौन है क्योंकि उस गेट से कोई आता जाता नहीं था मेरी साइकिल खड़ी होती थी बस वहां पर मैं साइकिल खड़ी करके ऊपर आ जाता था वहाँ से फिर मैं कहा देखो तो सही यार कौन बंदा है मैं गया मैंने जाके पूछा हाँ भाई कैसा है कौन है हाँ। बोलता मैं कहा, क्या कहता अच्छा मैंने कहा सही है फिर मैं समझ गया मैं है फिर मैं उससे बात बूत कर रहा था दल्ले का कार्ड था उसने मेरे को अपना कार्ड दिया उसने मेरे को अपना कार्ड दिया बोलता

फिर वो उस बंदे ने सीन कर लिया अपना आगे नीचे फिर यार मेरे को पता नहीं यार अभी मेरी लेबल्स डील पे इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से कि मैं यहाँ से आता हूँ ऐसा सीन तो नहीं है कोई नहीं नहीं भाई नहीं मजाक कर, कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ अरे यार मैंने बताया नहीं बंदों को पहले दल्लागिरी भी करी है हमने खुद भी करी है

एक मेरे को याद है दो दो तीन लड़के थे वो पार्टी करते थे आके इस इस जो होटल की बात की, इससे पहले वाले होटल पे पर हाँ। डे पे होती थी मेरी ड्यूटी वो आते थे पार्टी पुर्टी करते थे वो मेरे को भी दारू दारू पिला देते थे तो मेरे को भी बड़ा शौक था पीने का तो मैं दारू दारू पी के सेट हो जाता था जो पे इनके साथ <laughs> <laughs> वो वाला बढ़िया लगता था तो रिसेप्शन में पी पा गए सेट हो के बैठ के जो भी आ रहा है मैं तो इवन ताज में ही पीता था काम पे

कैसे जैसे क्या था साथ वाले ने चोरी करके मेरे बैग में ना डाल दिया ऐसा कर देते थे, थे, थे बहुत कुछ होता था भाई मतलब चेकिंग पे पता लग रहा है बहन मेरे उस पे किसी के आ, आईफोन के एयरपोर्ट निकलाए बहन चोद चोरी किसी और ने किए थे अब चेकिंग हो रही है उस टाइम पे नहीं पता होगा उसको कुछ है किसी के में डाल दिया कुछ कर दिया बा, 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 बा। तो आउट होते रहते है। कोई बहन दारू पी पी के बेहोशी हो गया उसको निहार के लेके जा रहे हैं <laughs> बहुत कुछ होता था भाई हम हम तो मतलब यही तो एंटरटेनमेंट था ना एंटरटेनमेंट लगा रहता था अब जैसे शेफ होते थे शेफ बाहर आके बीड़ी पी रहे हैं और हम सिगरेट पी रहे हैं वेटर वेटर शेफ मतलब शेफ मतलब और में में अच्छी इक्वेशन होती थी आपस में नहीं यार कुछ तो बहुत गांड मारते थे शेफ वेटरों की बहनचोद तुम तो तुच्छ प्राणी हो हो बहनचोद ही नहीं हमारे लेवल के बहनचोद हम उस्ताद हैं कुछ फ्रेंडली भी थे कुछ बीड़ी बीड़ी पिला देते थे तंदूर वाले अच्छे होते हैं तंदूर वाले अच्छे होते क्योंकि तंदूर वालों को वेटरों की जरूरत होती है वो खड़ा है तंदूर पे मैं हूँ बार पे मुझे चाहिए चिकन उसको चाहिए पानी कोल्ड ड्रिंक तो तंदूर वाले उस्ताद की और वेटर की हमेशा बनती है तो ड्रिंक्स भी सर्व करिए कभी मैं बार पे था फुल मिक्स ड्रिंक्स या खाली मतलब पैक वैक बनाने टाइप से पैक वैक बनाना नहीं मैं वो बारमैन नहीं बार बारमैन के साथ था मैं जूनियर नहीं। नहीं। उसका तो सामान वहाँ पे इकट्ठा करना इवन बनाना भी पैक भी बना ही देते थे कोकटेल्स वोकटेल्स नहीं बनाता था पैग्स में सर्व करता था इवन ऑन द बार ठीक है उसके साथ क्योंकि जब बहुत भीड़ होती थी पार्टी पाँच सौ छः सौ बंदों की या वैन जो उस टाइम पे ठक 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 दे 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 करते थे सर्व करते थे वहाँ पे टिप और ज़्यादा बड़ी मिलती थी तो वहाँ पे सब वेटर जाने को भागते थे तो मैं भी भागता था मैंने भी किया है वहाँ पर बढ़िया था मैं सीख रहा था काम मेरा यही था कि कुछ नहीं भी मतलब अगर थोड़ा टाइम और करना पड़ा मेरे को ये तो मेरे को बाहर वाली तरफ ही अपग्रेड करना है अपने आप को मज़े आते हैं बार टेंडिंग करके मज़े तो हैं ही है ही हैं भाई वहाँ पे पी सकते हो दारू निकालते थे लड़के बोतलों में निकाल के ले जाते काउंटिंग थे। नहीं होती काउंटिंग होती थी गेस्ट की फिर भी निकलती थी निकल जाती है कितनी भी काउंटिंग कर लो यार निकालने वाला निकाल लेता है मैंने तो मिक्सड वाली वो नहीं करी पर बियर एंड वाइन बार टर्डिंग का लाइसेंस ले लिया था मैंने बीस डॉलर दे तो फिर उस टाइम पर मैंने ये देखा था यूनिवर्सिटी में जो इवेंट होते थे ना तो लोग जितने ज़्यादा जो बारटेंडर होता है ना वो राजा होता है उससे hmm. आप बदतमीजी करोगे ज्यादा आपका काम नहीं चलेगा hmm. लोग ना अपने मतलब ईमान विमान फेंक के आते आता है लोगों की ना एक लीचड़ जो होता है ना पना कि मुझे कुछ चाहिए वो hmm. बारटेंडर को दिखता है hmm, वो तो वही है अरे तो दुनिया का दस्तूर है भाई साहब आपके सामने आने की जरूरत है आपके पास माल है तो आप तो फिर वही

कि भाई दिल्ली में ना उससे बहुत ज्यादा नशा है ठीक है और बहुत ही ज्यादा नशा है ठीक है यहाँ पे हाँ। लोग बहुत ज्यादा नशेड़ी हैं हाँ। ठीक है जिनकी तो बिल्कुल ही नहीं गाड़ी चलती ठीक है पंजाब में लोग इतनी सिगरेट नहीं पीते ठीक है इतना कुछ नहीं होता जितना यहाँ पे होता है मैं वहाँ पे नहीं इतनी सिगरेट पीता यहाँ पे आके मेरी डब्बी पे डब्बी हो जाती है ठीक है यहाँ भाई दिल्ली वाला बंदा तो ना ही बात करे पंजाब की नशे की तो ज़्यादा आपकी बात नहीं कर रहा वैसे जनरली कर रहा हूँ जब मेरे से बात करते हैं बंदे तो मेरा तो यही मूड होता है कि तुम, तुम लोग तो तुछ मती तुछ करो यार बात मेरे से इस बारे में अच्छा है हमारे अभी पंजाब में और बहुत सारे नशे आ गए हैं हाँ। कैप्सूल और गोलियों के नशे जो हैं N 20 है क्या होता है पुराने ज़रा हाँ N 20 मेरे मम्मी को गोलियां प्रेस्क्राइब्ड थी उनको डिप्रेशन था हाँ जो एल्प्रेक्स की गोलियां होती हैं हाँ, हाँ। एल्प्राजैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्प्रैक्स होती है और भी गोलियां होती है वही जो उसका नाम है जो साइंटिफिक नेम है एल्प्राजम ऐसे कुछ नाम है जो भी एन टेन और एन ट्वेंटी दो तरीके की होती है टेन और ट्वेंटी होती है ना एक टेन का डोज होता है दस ग्राम का एक बीस ग्राम का होता है तो उसमें वो वाली गोलियाँ बोलती बीस ग्राम वाली दो दैट इज लाइक कॉमन लाइक पीपल यूज इट इलीगली आई हैव सीन आई सीन आई हैव डन माय सेल्फ अच्छा हाँ मैंने वो खाई हुई हैं गोलियाँ वैसे खाई हैं तो आई नो

क्या था पता नहीं क्या था हकीम खाना लुट बैनर ड्रिलते जंकी नंदे कुट तो वो ऐसा था कि हकीम खाना केमिस्ट की शॉप पे बंदे चले गए हैं उसको लूट रहे हैं तो वहाँ पे जो जो मिल रहा है उसको पी के नशे करने की कोशिश कर रहे हैं वो सुनहरी होता है उसके अंदर इसलिए वहाँ पे बैनर ड्रिलर एन टवेंटी थी तो वो उस कॉन्टेक्सट में अच्छा, था ऐसा था वो थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच करने की कोशिश करी थी मैंने कि भाई अगर मैं चला जाऊँ किसी केमिस्ट शॉप पे रात को तोड़ के तो मैं क्या क्या नशे कर सकता हूँ उसके बारे में रेड तो वैसे इतना इंटरेस्टिंग आइडिया केमस्ट के यहाँ रेड मार के सामान ले लो एक पिक्चर है अरे बहुत यार तेरे तेरे को सिने, सिनेमा को सिनेमा का शौक है बहुत पसंद आएगी कैट कैट स्टिक्स कैट स्टिक्स अच्छा रॉनी सेन है हेरोइन एडिक्ट मतलब उसने कोलकाता में टू थाउजेंड में बड़ा हेरोइन का एपेडेमिक फैला था तो अब वो बहुत बड़ा अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर बन गया पूरी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाई दो हजार सत्रह में रिलीज हुई थी कैट स्टिक्स नाम से अच्छा तो जंकी इकट्ठे होते हैं और किंग फिशर के प्लेन के अंदर अबेंडेंड उसमें जाके वो करते हैं एक रात ही कहानी है किसी एमएलए का बेटा भी करता है एक ऐसा लड़का करता है जिसने अपने घर के नीचे ही कहीं चुपके से रह रहा है घर वालों को पता नहीं है

उन्होंने फर्जी बनाई ठीक है तो वो अपना एक यूनिवर्सा बना रहे हैं बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है इट्स लाइक like, एक एस्थेटिक है उनका ये क्या है फालतू पुश्ड नाइन्टीज एकदम फालतू पै जो पता लग रहा है साफ की नकली नाइन्टीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो या मैन आई लाइक इट फॉर इट सोट लाइक मेरे को बहुत उम्मीद है राजन डीके से फ्यूचर में अगर वो मुझे कभी देखे ऐसे तो भाई मैं आपका एक व्यूअर हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आप अच्छा काम करेंगे पर ये आपने अच्छा नहीं किया ये सही नहीं था जब वासीपुर आई थी मैंने फर्स्ट फर्स्ट डे दे शो फर देखा बार बार देख देख रखी रखी है वन और 100 बार देख है कि मैं भाई मैं ना मेरे को वासीपुर का किस्सा याद है मैं ना बहुत छोटा था एक करे की दुकान पे मेरे को याद है मैं छोटा सा मैं खड़ा हूँ और करने वाला मेरे डैडी को बता रहा है कि हाँ वासीपुर बुरी पहन चे ऐसी पिक्चर है अरे ये वो है और मेरे डैडी कह रहे हैं हाँ देखनी है ये क्या है ये वासेपुर मेरे को वो एक वो पता नहीं क्यों याद आ जाता है हमेशा वासेपुर से मेरे को क्योंकि मैंने बड़े हो गए देखी है फिर वो फर्स्ट डे फर्स नौ दस बजे सुबह का तो मैंने देखा कि भाई सरदार खान है वेट, करा। वेट oh. नहीं हो पाया कि दो तो, तीन महीने के बाद पार्ट टू आने वाली hmm. मैं जो फैजल खान को देख के मुझे लगता था कि हमें भी ना ऐसे ही ट्रेनों पर स्टेशनों पर जाके पागना चाहिए और ऐसे ही मतलब जीना चाहिए उसके कैरेक्टर को बसा लिया अपने फिर कई साल होते हैं और मिर्जापुर मिर्जा आती है मेरा थूकने का मन करता है क्योंकि वो बननी दिल्ली बॉम्बे इन सब चीज़ों में एक यूपी का कैरिकेचर इट वाज अ कैरिकेचर सेकंड सीजन से, से, से से तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए मतलब मैं मेरा ऐसा है कि आ, यार नेटफ्लिक्स पे तो यार कोई भी चीज़ देखूँ मैं यार प्राइम पे भी सीरीज़ कोई हो वो तो मेरे को पता ही क्या ही है इट्स लाइक

तभी यार फिल्म फिल्म होती है मूवी मूवी होती है चाहे बहन तो जो इतना मर्जी कंटेंट डाल लो डी पे फिल्म फिल्म ही होती है जब दो तीन तीन घंटे की बनाते हो ना वो वही वही उसकी वो चीज़ नहीं है लाइन के साथ, नहीं साथ नहीं क्या रिश्ता है, है? लाहन के साथ मेरा बहुत ही एक बूढ़ा रिश्ता है भाई लाहन के साथ वो फिल्म मेरी वो है लाहेन और सत्या ये दो दो पिक्चरें ऐसी हैं जो मैंने मेरे ख्याल से कम से कम सौ बार देख ली होंगी लाइन भी, भी। मैंने बहुत देखी है लाइन मेरी यूट्यूब पे मतलब क्योंकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल है बात ये है हाँ। कि दोनों फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है तो मैं उन उनको मैं कभी भी देख लेता हूँ कभी भी इवन मैं कभी सफर कर रहा हूँ बस में सफर कर रहा हूँ या मतलब अभी हम लास्ट में जब दिल्ली आया था मैं हम होटल में रुके थे मैं आया था डॉक्स था जस्करन था और सत्या चल रही है और अगले एक एक सीन के डायलॉग मैं उनको बता रहा हूँ देख अब ये बोलेगा अब यहाँ से ये देखिए इधर ग्रास पे यहाँ पे हाथ रखेगा ये करेगा वो करेगा इतना ज्यादा वो वो है डोंट फील डिसअपॉइंटेड बाय जो मेन कैरेक्टर होता है वो बंदा जो साउथ का एक्टर उन्होंने लिया था वो उसने कुछ करा ही नहीं पूरी पिक्चर के अंदर डेड सा साल उसकी एक्टिंग नहीं आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड बाय दैट एक्चुअली मेरे को अच्छा लगा वो वो करेक्टर सही लगा मेरे को मतलब वो भी वैसे करेक्टर ना मैंने रियल लाइफ में देखे हुए हैं डेड मेन हीरो देखे हुए हैं मैंने बिल्कुल डेड है वो डेड ही है इसमें क्या है मैंने देखे है ना इसे रियल लाइफ में भी हीरो है बट डेड है होते हैं रियल लाइफ में भी होते हैं यार क्योंकि मैं एक एक्टिव हूँ और मैं अच्छा मतलब यू नो कुछ लोगों को अच्छा अट्रैक्टिव लगता होगा कि बढ़िया बोलता है ये वो इसका मतलब ये थोड़ा मैं हीरो हूँ क्या तो मैं साइड करेक्टर हूँ क्या पता हीरो तीसरा बंदा हो जो हमारे साथ कमरे पर जो कुछ नहीं बोल रहा कुछ भी हो सकता है तो मैं मैंने जब उसको देखा स्क्रीन पर भी मैं जो बार बार भी देखता हूँ मुझे लगता है उसको ना उसको बड़े सही तरीके से यूज़ किया गया है पिक्चर के अंदर जब वो स्टार्टिंग में उसका सीन आता है जब ऊपर से एंगर है और वो बॉम्बे में चल के आ रहा है mm. वो चीज़ करना क्या है उसको तो उसको तो कुछ भी नहीं करना राम गोपाल वर्मा को यूज़ करना है उसको किस तरीके से उसको कहाँ खड़ाना है यही तो करेक्टर है कि वो कुछ नहीं करता उसके ही इज़ लाइक जैसे मेरा प्रोजेक्ट है mm. हर चीज़ मैं नहीं करूँ मेरे आस चीज़ें हो रही हैं एक 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 तरीका है इसको देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसको ऐसे देखो कि आपका हीरो कर नहीं रहा है आपके हीरो के आसपास चीज़ें हो रही हैं ये डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है ये एक आम बंदे का वो व्यू नहीं है वो देख के बोलेगा यार करता ही नहीं है कुछ है तो पर डायरेक्टर का यही है कि इसके आसपास मुझे चीज़ें करानी है इस बुद्ध के आसपास तो वो है ऐसा मेरे को फील होता है मेरे को मेरे को लगता है शायद मैं समझ रहा हूँ आरजीबी की फीलिंग थोड़ी सी आरजीबी इज अ ग्रेट गाय ही डजंट मेक फिल्म्स एनी मोर सीरियसली हां अभी तो कहाँ पिक्चरें बनाता है आरजीबी भाई अब तो बहुत अच्छी पिक्चरें बनाता है मैंने YouTube पे देखी थी तोस सा कर रहा था किसी के दैट इज राइट मैं बोलने वाला हूं आई लव दैट फकिंग फिल्म मैन पर मेरे को लगता है कि कुछ कुछ वो क्वेंटिन टेरेंटिनो से इंस्पायर हो ही जाते हैं ना कि वो अब वो बाहर का डायरेक्टर टो सक करेगा तो मैं ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दो डायरेक्टर दुनिया के अंदर सेम टाइप की पिक्चर बनाए दोनों टो सक कर रहे हैं टेरंटिनो तो यार भाई आई थिंक वो मेरा फेवरेट चोर है इस पूरी दुनिया का कहाँ से चुराता है वो सब जगह से चुराता है वो वो कहाँ से नहीं यार वो मेरा फेवरेट चोर है क्योंकि खुद बताता है वो कहाँ से चुराता है उसने खुद बताया भाई इवन अब मेरे को पूरा पूरा नहीं पता मैं आपको शायद बाद में बताऊँ थोड़ा सर्च करके जो मेरा मैंने पढ़ा था कहीं पर जो मैंने देखा भी था कि जो इवन आ, कौन सी थी जो रेजरवायर डॉग्स है उसकी हाँ। वो पूरी की पूरी उठाई हुई है किसी पता नहीं कौन सी है कोई कही है पता नहीं शायद गलत हो मेरा अंदाज़ा कोरियन मूवी है कोई है पुरानी मूवी है उससे दस पंद्रह साल पुरानी उसकी उठाई हुई हाँ। है सीधी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो उठाता है इंस्पिरेशन कह लो या उठाना कह लो या जो भी है हम भी लेते हैं इंस्पिरेशन हम तो उठा भी लेते हैं मैं तो उठा भी लेता हूँ सीधी सीधी चीज है सीधी बात है जो है सो है, है। तो लेकिन हाँ वो मेरा मेरे तो भाई मेरे तो उठाने की इंस्परेशन है वो टेरेंटिनो कि गया ऐसा, गया। ऐसा 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 आप इस तरीके से उस चीज को ऐसे लेके आओ ना कि वो एक नहीं लगे बिल्कुल नहीं लगे जैसे अभी हमने ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई तनाई की ये भी डेविडी का ही पूरा कॉन्सेप्ट है पर देख के लगता नहीं है कि ये सारे वो वाले करेक्टर है ये लगते हैं आजकल के बंदे हैं इट्स 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 वेरी न्यू आई दैट द थिंग हम उठा रहे हैं उस चीज़ को या इंस्पायर हो रहे हैं वहाँ से पर उसको एक नया रूप दो बिकॉज ये जो पूरा आइडिया होता है ना कि मैं कम्पलीटली ऑरिजिनल रहूँगा वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल hmm. है आई थिंक आप चीज़ों को इकट्ठा करते हो और वो बिकम्स अ न्यू स्टाइल एंड फिर लोग आपको जब स्टडी yeah. करते हैं अगर आप उस लेवल में पहुँचते हो तो yeah. वो ट्रेस करते हैं इसका ये इन्फ्लुएंस इसका yeah. ये इनफ्लुएंस yeah. yeah. ना टाइम के साथ है ना रेलि रेलिवेंट भी बनानी पड़ती है चीज़ें विजुअली तो अब जैसे ये है जैसे जो डीवीडी का ही बनाया तो मेरे पास बजट था इस बार वाई गोड्स ग्रेस तो मेरे को था कि अगर मैं चाहूँ तो कॉस्ट्यूम्स करा सकता हूँ मेरे को कर नहीं कराने कॉस्ट्यूम नहीं कराने मेरे को कोई दिक्कत नहीं मेरे को वही चाहिए जो मैंने जैसे ऐसे ऐसे लोग जिस जिस कपड़ों में देखे हैं वैसे चाहिए तो शादी ब्याह वाला कोट है बदलेगा मैक्सी डाल रखी है लड़की ने सिंपल सी ऐसी कौन सी प्रोस्टिट्यूट है, है जिसके पास जाओ क्योंकि मैंने देखी हुई ना इतने कौन सी है साड़ी जो पहन इतनी वो फैंसी लेके बैठी कोई नहीं बैठी भाई ऐसी ही होती है। जैसी होती है जैसा जैसा देखा मैंने में भी लेती है, कुछ।, कैसे? में? एक है, एक है एक कुछ लड़के जाते पास प्रोस्टिट्यूट का बोलते कैसे लेना पसंद है मुझे तो छिपकली पोज में ऐसे दीवार पर चिपक अरे भाई <laughs> ओके यार हाँ। देखी होगी वीडियो देखी होगी नहीं मैंने वीडियो नहीं देखी पर मैं चिपकली पोज समझ गया हाँ <laughs> <laughs> मेरे को पोज याद आ गया बढ़िया ओ ये नहीं मतलब मेरा पता है क्या हाँ। मैं किसाना भाई सच में मेरा

छोटी है बोलते जो छोटी छोटी क्या है अनु मुझे बात मैंने तो वो द, उ, उ, उस साइड पे मैंने कूल किड्स को भी नहीं बोलते सुना चंडीगढ़ पे तो छोटी किसी को नहीं बोलते छोटी छोटी न्यू है काफी न्यू है छोटी छोटी इज वेरी न्यू यू नो जस्ट बीवर बोलता है ना जस्ट बीवर गाने में बोलता है अपने सारे नहीं यहां पे न्यू है ना मैं क्या बोलते आई एम अ बैड बिच मेरे को पसंद नहीं आता मेरे को ना किक नहीं मिलती उससे क्योंकि मेरे को डैडी भी बोल में मैं जो क्या है

ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਾ ਮਸੀਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਬਸ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਚੇ ਗੋਵੇਰਨ ਲਾਣਾ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਯਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਨ ਸਾ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੀ ਫੈਨ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਐਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਮ ਹੂਡ ਫੇਮ ਮੇਂ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਫੈਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡਾ ਬਣ ਜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਬਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮੇਰੀ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਮਨੇ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੀ ਢੂੰਡਣੀ ਹੈ बड़ा दुख है आर्टिस्ट की जिंदगी में आदमी अपने आप को कैसे पैराडॉक्स खोल रहा है अपने अंदर के देखो बेतार बादशाह में बहुत ज्यादा है उस उससे उस ज्यादा मैंने कभी इतना सच नहीं बोला कभी भी नहीं बोला तभी वो तो ज्यादा हिट हां गोड इज दैट यार जब मैंने मैंने बनाया था मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला था कि तूने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं गांड फट फटके थी उनके हां प्रोस्टिट्यूट वाली लाइन पे तो बहुत बंदों की फटकी थी कि हमें पता नहीं था तूने पहली बार सेक्स एक प्रोस्टिट्यूट के साथ किया है और किया भी है तो तू क्यों बोल रहा है

वॉज आई वाज नॉट हेयर तभी नहीं थी वो चीज़ें कूल भाई तभी जबी yeah. जब, जब वही दो चार दोस्तों से बार 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 वाह पढ़ना था उन्होंने बोला कि भाई क्या है ये ऐसा है और खुद को भी लगा एक टाइम पे आके उनकी बातों तो की वजह से कि यार बहन चौद आगे बढ़ेंगे खुद के भी बच्चे होंगे कल को सुनेंगे बहन चौद या कुछ भी होगा लाइफ में आगे कुछ बड़ा इंसान बनूंगा क्या पीछे जाके ये देखूँगा कि बहन ये बातें करता था कि प्रोस्टिट्यूटों के साथ सेक्स करता था मैं यही गाने बनाता था मैं देन फिर आई वॉज लाइक फैक्ट इन्होंने मेरे घर में थोड़ी ना राशन डालना है uh. इन्होंने थोड़ी ना मेरे को बनाया है इनकी तरफ से मैं आज मर जाऊं तो इनको फर्क ना पड़े <coughs> ये तो मजे है मैं क्या जैसे मैं मजे लेता हूँ दूसरे के गिरने पे जैसे हर इंसान लेता है ऐसे ये मेरे ले रहे हैं hmm. फाकदम

यार बंदे यार अब कौन कौन सा रैपर है मतलब मैं यही नहीं कह रहा आप मुझे क्रिटिसाइज करो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि कौन हाँ। सा रैपर जो सेक्स के बारे में बात नहीं करता सब करते हैं हाँ। अलग अलग तरीके से करते हैं है ना हाँ। किसी का अलग तरीके से है कि बेबी ऐसा है वैसा है चलेगा ये है वो है बैठ जा गाड़ी में ले जाऊं तो मैं चलो हाँ। हाँ। जो चोरना ही जाता है ना अब मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूँ उस चीज को मेरा रोमेंटिसाइज नहीं है उस गाने में मेरा बहुत इन द फेस है कि ऐसा है कि नो कि पाइंट पी के सकिंग में मे खुट दी जंग की बेच लाइक जंग ट्रांजैक्शन है वो जंकी है हाँ जंकी बेच है उसको दारू भी नहीं है और मैं उसको पाइंट पिला रहा हूँ सत्तर रुपये का वैन जो बस पी और चूस <laughs> ये है ख़त्म जो सच में मेरे को चाहिए और जो मैंने सच में किया है वो मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर की ले पकड़ बात ख़त्म और जंकी बचे करती, करती, करती थी करती हैं करती थी करती हैं मेरे साथ नहीं अभी खैर वैसे बात कर रहा हूँ करती हैं बहुत सारी लड़कियाँ फन इन दूवेंट बहुत सारी मिल जाती हैं और अब तो व... अब तो मेरे से ऐसा सीन है कि आ, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसी मिलती हैं आके हमेशा जब वैसी बात नहीं है ये होता है कि आपकी ना अब मेरी लाइफ क्या है मैं 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 सोशलाइज कहां करता हूँ अब कहीं भी नहीं करता कहाँ करूँ अब दिल्ली आया हूँ तो में थोड़ी ना जाऊंगा लोग पह अच्छा लगूंगा मैं तो मैं ये करता पहली बात तो मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं है ना दूसरा मेरी सोशलाइजिंग क्या है मेरे को तो मेरे म्यूज़िक के थ्रू ही लड़के लड़कियाँ सब लोग मिलते हैं अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हो कि वो आपके साथ किसी भी हद तक जाएंगे कि हाँ बस आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं हमारा मेरी अप्रोच है मैं तो देखो मैं तो फन करता हूँ मैं तो लिख देना उस बारे में बस वो चीज़ है मैं तो लिखता हूँ वो सीन है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी ना आया था कि लड़कियाँ मेरे पे पागल हों कोई वो, वो करना होता तो मैं मॉडलिंग करता मैं इतना माथा बच्ची थोड़ी ना करता सबसे आसान काम करता मैं पूरा करके पहन चो डेंटिंग पेंटिंग और मैं फोटो <laughs> ना <laughs> डालूं लू चो मैं क्यों इतना ज़्यादा वो अपनी यू नो लाइफ ऑन द लाइन लगा दूँ इस म्यूजिक के लिए पूरा अपने आप को उधेड़ के रख दूँ पूरा इसके लिए इसलिए थोड़ी ना कि बहन चो मेरे को लड़कियाँ पसंद करें यार इवन लोग भी पसंद करें लोग भी पसंद वो भी है मेरे को थोड़ा सा ना मेरे को सच में मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे पसंद, पसंद करें मुझे बहुत पसंद है, है। हाँ कि लोग मुझे पसंद करें मेरी प्रायोरिटी नहीं है प्रायोरिटी होता है टेंशन प्रायोरिटी ये नहीं होता कि पसंद करें क्योंकि मुझे पता है कर लेंगे पसंद तो पसंद तो वो कर ही लेंगे अभी नहीं करोगे मेरे को दो दिन बाद करोगे जब समझ आऊँगा बात वो नहीं है तुम्हारा अटेंशन लेना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे बात सारी वो है तो लिखने की कई बार ऐसी होती है कि हम लिबर्टी लेते हैं ताकि अटेंशन भी मिल सके ताकि वो चीज़ जो पहुँचानी चाहता हूँ तुम तक पहुँच भी सके चाहे आज तुम हेट करो आज ना समझो ये गाना दो दिन बाद तुम मेरे को प्यार करो होता ही है मेरे को आज जो भी बंदे गालियाँ निकालते हैं जो मैं हमेशा रोज़ को ये पढ़ के बोलता हूँ कि ये दो दिन बाद फैन बनेगा पक्की बात है क्योंकि ये और जिन के पोस्ट शेयर करता है मैं कह इनको भी मैं पीछे छोड़ दूंगा चार दिन में ये मेरा ही फैन बनेगा एट दी एंड मेरे तो बंदे आ, ने डी करा था प्लीज बागी साथ पॉडकास्ट करो आई वॉन्ट टू सक हिज बोल्ड हैड एंड ही हैज हेल्प मी थ्रू आई कैंसर या मेरी आंखों की सर्जरी मैंने उस मैसेज को रिक्वेस्ट में ही छोड़ा मैं ये किस तरह की वो है ऑब्सेशन ये ऑब्सेशन नहीं है ये ये कूल किड्स है मतलब ही जनरली वांट्स कि उससे

एम्बिशन को परस्यू करने के लिए जो लाइफ टाइम में परफेक्ट टाइम पे आई वो चीज़ जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम ये सब छोड़ के दो महीने से घूम रहे हैं बहन जो तब क्या से बनेगा क्या बनेगा तो एक किक चाहिए थी दोबारा से माँ चोदने की देखो एक ना मेरा मैं सिंपल सी बात बताऊँ मेरा सोलह से लेके तीस साल के अंदर अंदर मतलब तीस साल तो बहुत कम लड़के लड़कियाँ मुझे सुनते होंगे उस उस एज में तो मेरे ख्याल से 25 तक मैक्सिमम है ज़्यादा पर 30 तक भी है मुझे कई सुनते हैं जो यू you नो know, जॉब करते हैं या जो एक एक फैमिली लाइफ में भी आ गए हैं वहाँ तक भी लोग मेरे को सीरियसली सुनते हैं तो 16 से देखिए 30 तक लड़के लड़कियाँ दोनों जो मेरे को सुनते हैं मैं मैं लिटरली बोल रहा हूँ मेरा मेरा बहुत ध्यान है कि इन्फ्लुंस क्या है इस चीज़ पर लोगों को लगता होगा और लगता है भी है कि मैं काफ़ी चीज़ करता हूँ मुझे पता ही नहीं है मेरी इन्फ्लुएंस क्या मुझे अच्छे से पता है क्या है और किस हद तक है मैं अगर मुझे लोग इतना सीरियस लेते हैं इतने कम नंबर्स पे उसका कोई कारण है क्योंकि वो लोग मेरे से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं इंसानी तौर पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ ये सिर्फ और सिर्फ़ एक म्यूज़िक की बात नहीं है वो मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे म्यूजिक के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी बात ये है वो गाना इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि मैंने बनाया है जो मेरे लिसनर हैं ठीक है ना तो मेरे को ये देखना है कि मेरी इन्फ्लुएंस क्या है अब <coughs> मैं जो अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ मेरा ये नहीं कि मेरे को उनको सुधारना है गलत काम नहीं करने देना है बात वो नहीं है मेरा ये है कि जिन चीज़ों से मैं निकलूँ एक एनर्जी थी मेरी कि <coughs> मुझे पुश चाहिए था लाइफ <coughs> के अंदर नेवर हैड फादर जो मेरे को समझाए जो मेरे को हाथ पकड़ के चलना सिखाए रोड पे नेवर हैड बिग ब्रदर हैड फ्रेंड्स कुछ भी नहीं ठीक है तो वो जो एक मर्द होता है ना जो आपके साथ होता है बचपन में या एक एक बड़ा भाई बाप या कुछ भी वो नहीं था तो माई इज़ लाइक दैट इवन वेन आई मेक सॉन्ग्स लाइक आई वोट न फोकस किनी नी मॉडल शो तो पहला दो आर एड ओन सॉन्ग्स ठीक है जो मतलब आपको मिलते हैं एक पैकेज में आपको मजा आता है कि ठीक है यार मेरा बड़ा भाई बहन चो मस्ती भी करता है मजाक भी करता है बहन चो बढ़िया है अपने जैसा ही है पर एट दी एंड ही जस्ट वॉन्ट टू पुश यू ही जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट यू वैसे ही अप्रोच है मेरी इस म्यूज़िक के साथ फिलहाल तो अभी आगे क्योंकि वक्त के साथ क्योंकि पहले दो साल पहले लग थी अप्रोच मेरी म्यूजिक के लिए जब स्टार्ट किया था अभी तो यही है क्योंकि मुझे पता है क्या मेरा इमोशन ड्रिवन म्यूजिक है लोग बहन तो इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं मेरे साथ कि मेरे मेरे साथ ही जुड़ जाते हैं बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ में उनको इंटरेस्ट हो जाता है मेरी इतना ज़्यादा तो आई थिंक फिर मे, मेरा और वही है कि यू नो आई जस्ट वॉन्ट आई जस्ट वॉन्ट टू पुश यू इन अ गुड वे कि तुम लाइफ में कुछ करो सुनो कान में जब लीड घुसोड़ो ना अपने तो उठो बट एज एजमायर ऑफ द म्यूजिक मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ मैंने कानों में वो लगाए मैं तीस मिनट के ट्यूब से उतरा hmm. और इस पूरी ट्रिप में बहुत मैंने इमोशन्स पहले एक्सपीरियंस करे आ हा है लाइटनेस मैं फ्री hmm. हूँ आजाद हाँ मज़े आ रहे हैं लेकिन जब मैं लंदन पहुंचा मुझे रिलाइज हुआ कि मेरा करियर कितना ज़्यादा स्टेक पे आ चुका है और मैं कितना घूम चुका हूँ बैंक अकाउंट का बैलेंस खत्म हो रहा है धीरे धीरे मेरे पे अब अब मेरे को ना वो वाली बैक अगेंस्ट द वॉल व्यूज़ व्यूज सब गिर गए कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा कोई जानता भी नहीं है डेड हो रहा है सीन तो मेरे को जो यू नो द सेम इंटेंसिटी यू हैव इन योर अर्ली और मंथ्स लाइक लिसन टू द म्यूजिक एंड इतना आई थॉट ये इमोशन दोबारा नहीं आएंगे एंगर रेड जेलिसी एनवी इनके बेस इमोशन मानते हैं हम छुपाते हैं yeah. साले सारे बाहर आए वो वो मेरे मोटिवेटर बन गए दोबारा सेफ्ट राइट ई मेल भेजना लोगों से, right, लोगो से मैं हेलो करना कर नॉन स्टॉप मैं दिन में मैंने आई थिंक एक दिन मैंने पेताज बादशाह अलोन छः सात बार सुना अगैन एन अगैन एन अ गैन एन अ गैन एन अगैन एन दूस इमोशन सुन एन आई थॉट दिस इज अ पार्ट ऑफ मी दर आर नो लॉन्गर नीड वर आई रियलाइज की हर टाइम में हर चीज़ की जरूरत होती है एंड एंड इमोशंस केम बैक आई आई एम दैट दैट टू योर म्यूजिक वेलकम भाई नहीं <laughs> 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 no, uh, वो वो कैन फील पता लग जाता है अप्रीशन कब रियल होती कब नहीं होती इतनी मिलती है मेरे को फ़र्क पता लग जाता है जब आपसे पहले भी बात हुई तो <laughs> जो चीज़ें पकड़ी है आपने मेरे म्यूज़िक में मैं आपको बोला भी था टेक्स्ट पे भी कि आपने सिनेमैटिक hmm. अप्रोच उसकी पकड़ ली म्यूज़िक की मेरे की जो uh, बेतार बादशाह की है वो आपने पकड़ तो तो अपने मन में म्यूजिक वीडियो सब गाने को सुन के हाँ, तो अगर आपका एज ऑफ मेकर इंटेंशन इंटेंशन है आपके बहुत सारे इंटेंशन हो सकते हैं और यू यू पुट समथिंग आउट द वर्ल्ड हैव नो कंट्रोल ओवर हाउ पीपल कुछ लोगों कोई कुछ चीज़ कुछ, कुछ हो जाएगा बट इट ईयर I so, Not I मैं अभी तो प्राउडली ये चीज़ कह सकता हूँ कि मतलब जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया ये बेस्ट बनाया अभी ई पी इस साल में हिप हॉप में तो पंजाबी हिप हॉप में भी क्या वैसे भी हिप हॉप जोन रहा में आई थिंक इट्स बेस्ट राइड नाउ बिकॉज एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी यहाँ पे इतनी अच्छे से ठीक है और वो मेरा बड़ा मन था काफ़ी टाइम से और मैं इस बारे में बात भी करना चाहता था मैं पहले भी कभी मैं कह नहीं पाया पब्लिकली जितनी भी लड़कियों के साथ उसमें मैंने काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ जैसे हुक पे भी थी तो अब मेरा बड़ा ये भी अप्रोच है कि जैसा मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता था एक अच्छी वॉइस और नाइन्टीज की कंपोजिशन में हाँ। मुझे बड़े पसंद थे लड़कियों की आवाज़ कुछ कुछ चलती है बड़ी मजे आते हैं उसमें मुझे अच्छा लगता है आई थिंक जो मुझे पसंद है यू नो आई लाइक नाजिया हसन आया

जितना मैंने 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 देखा है है क्योंकि मैं 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 तो अब किस पे पे ही देख पाया पाया उसको आ, मैंने नहीं उसको नहीं वीडियो <laughs> खाली आवाज़ सुनी मैं, मैंने, मैंने वीडियोस उसकी इंटरव्यू देखी व्हेन शी टॉक्स यू नो नेक्स्ट लेवल मतलब मैं, मैं, मैं भी प्यार करता क्या मेरा. मेरा लगा मेरे ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी में मैंने जिंदगी को हमेशा एक ट्रैजिक डिस्को पार्टी की तरह देखा है ठीक है hmm. जिसके अंदर डिस्को है सब नाच रहे हैं hmm. मुझे बुरी खबर मिली है तो मेरे को नाचते रहना है ठीक है yeah. और सामने वो अफसर आए जो अनटचेबल है अनरीचेबल है और hmm. वो उस मोमेंट की साउंड को डिस्क्राइब कर रही है अपनी आवाज़ से और मुझे रोना भी आ रहा है hmm. और पर डिस्को लाइट चल रही है मुझे नाचते रहना है ऐसे 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 तो मैं हमेशा मतलब उस वो जो एक एट्टीज या सेवेंटीज की साइरन होती है ना जो डिस्को hmm. बॉल के नीचे एक ऐसा गाना बताती है जिसके अंदर लिरिक्स खुशी खुशी है लेकिन आप अंदर जाओ उसमें दुख भी है आई जस्ट इट दैट शिट अप ब्रो मैं लोग इनफैक्ट आभा के गाने सुनते हैं आबा के इतने Haan. सारे गाने सारे नेगेटिव हैं Haan. अभी 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 मैं बताता हूँ ना आजी हसन में ना वो जो नाइनटीन गाना है जो मेरा शहरन जस्ल के साथ उसमें वो मेरा उसमें जैसे एंड में भी जब आता है कि वो गाना ही था ओ वो, वो सा की साकी रे सा उसमें था कुछ आ, 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 जैसे इसमें जो मैंने अपने गाने में कंपोजिशन लगी कि जिंदगी जिंदगी दोबारा न मिले ज़रा सोच समझ के जी सा की साकी कोई प्याला ना भरे तेरा सोच समझ के पी वो सब वो उन्हीं गानों से उठाया बट जो उसके अंदर जो कंपोजिशंस थी और वो था ना ओ बेबी। तो वो बेबीज वो तो मेरा काफ़ी नाजिया और वो वाला जो एटीज़ और उसका डिस्को और ऐसा लगता था ना थोड़ा सा वो पूरा मेरे दिमाग में मेरे को लगा निचोड़ के पूरा वही आया क्योंकि उसकी कम्पोजिशंस मैंने लिखी हैं सारी जो लड़कियों ने भी गाया पूरा और सब वो इवन लाइक इवन जब भी मैं सुनाने गया मैंने शायर को सुनाया फो को सुनाया मैंने उनको उनकी आवाज़ में गा के सुनाया लड़की की तरह जैसे कि नजाकत क्या होनी चाहिए ऐसा ना जैसे होता है ना वो ऐसे गा के उनको जब मैंने ना अलग अलग से लेके गया ऐसे अलग सुनाया हां थोड़ा सा यू you नो know, एक्ट करके थोड़ा हल्का क्योंकि आई एम आई एम सो इन लव विद यू नो दीस फीमेल आर्टिस्ट आई एम आई एम आई एम सो इनटू देयर म्यूजिक उषा उतप उषा उतप नहीं 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 तो से से प्यार किया

कलर ग्रेडिंग नहीं करनी पड़ती अब मैं खुद ही तो करता था सारी शूट और एडिट तो फिर कौन करे इतना भाई सही है भाई ब्लैक एंड वाइट बनाओ एक तो एस्थेटिक तो है भाई <laughs> <की> दूसरा <laughs> <laughs> काम कम करना पड़ता है इट uh, ऑल्सो एक एक दोबारा से ऐसा हुआ था कि रूपा आई थी आज शनिवार वाली एकदम पे रूपा, रूपा। आज शनिवार चलो नाच पे चलो यार भाई इसके बाद मैं सुनाऊंगा

भरी मौजा बहुत बढ़िया है पूरा मेरे पास बहुत सारे डिस्को के गाने पड़े हैं जो मतलब तो रेयर है मैं फील लाइक अ डिस्को पर्सन आई ब्रो आई लव डिस्को मेरे को ऐसे मेरे को पता कैसे कैसा पसंद है डिस्को में नाचना कोई ना देखे

Anyway, तो जस मेरे को बहुत पसंद है आई एक, एक, प्लेलिस्ट भाई भाई, हाँ, एक और है, नाम की अंदर हर एक कंट्री के म्यूजिकल ट्रेडिशन को पकड़ के डिस्को गाना बना दिया गया है बाय वेरियस आर्टिस्ट और कंपोजर है एस एन गुलाटी में सुनाऊंगा क्या स्टोरी थी हमारे मिलने की क्योंकि

वहाँ पे शो था धनजी का हाँ 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 था 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 तो ग्रीन टी शर्ट देखा था ग्रीन टी शर्ट में था वो हाँ हाँ मुझे याद है स्याही के साथ था वो फिर आप नीचे से कैब करी थी आपने हाँ 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 तो जब आप कैब कर रहे थे आपके पास आया था एक लड़का याद करो हम चंडीगढ़ में हम कुछ कर रहे हैं वो मैं ही था वाह ब्रो एंड आई टोल्ड यू कि मैं बताता हूँ आपको आपने बोला नहीं मेरी कैब आ रही है मैं जा रहा हूँ हाँ भाई मैं उस टाइम एकदम पे फ्लमक्स था बहुत सारे और मैं अपने दोस्त को बोला था मैं कह ये अपने को पॉडकास्ट पे बुलाएगा ये थी स्टोरी हमारे पहली बार मिलने की जब हम मिले थे तो मैं मैं यहाँ पे खड़ा था हम, हम रोड पे मिले थे पाइप के पास किसी पे उस टाइम पे धनजी का शो देखने के लिए मैं और मेरा दोस्त आए थे आप लोगों ने ये भी बताया था कि हम बस लेके आए हैं चंडीगढ़ से स्पेशली ये देखने के लिए बस नहीं ट्रेन पे आए थे स्लीपर पे हाँ खड़े होके आए थे और हम आए थे और हमारे पास जाने के भी पैसे नहीं थे वापस और बाहर खड़े थे हमारे पास बीस रुपये थे एक एक कुल्फ़ी खा रहे हैं देख रहे हैं कि ठीक है बढ़िया है और तभी आपको देखा मैंने और मैं अपने दोस्त को बोला मैं कहा यार ये बंदा पॉडकास्ट करता है मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया है मिलूँ जा क्योंकि वही है ना थोड़ी है नहीं जाता नहीं ऐसे अप्रोच नहीं करता लोगों को हाँ। पता है जब खुद स्टार बनना है फिर मैं वो इसलिए नहीं <laughs> फैन बॉय नहीं करता मैं कि कल को टकरना तो है ही है सबसे बड़े लेवल पे सच्ची बात है मैं इसलिए भी मैं थोड़ा वो करता हूँ कि चलो ठीक है भी इधर से एक बार मिलेंगे आराम से जब काम कर रहे होंगे तभी मिलेंगे एक बार क्या है ना ऐसे क्या मिलना लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता था आपका जो भी उस टाइम पे बोर्ड गया था पुनीत के साथ निकल गया था उस टाइम पे तो ऑब्वियसली वो पुनीत वाला तो सबने देखा ही था बुम हुआ ही था तो बाकी कंटेंट भी मैंने चेक किया फिर मैं फॉलो करने लग गया था देखने लग गया था कि लेटेस्ट क्या है क्या नहीं आ रहा है ना बढ़िया है डिफरेंट काइंड ऑफ गेस्ट आ रहे हैं तो मैं क्या यार बात करूँ बोलता कि देख ले कहता उसने भी फिर यही बोला कहता ये वही है ना पुनीत के साथ आया जिसको मैं हाँ कर भाई कर मैं ठीक है भाई मैं गया मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपका पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ यह वो है ऐसा तो बोला थैंक यू भाई ये फिर आपने मेरे को बोला था कि नाइस टी शर्ट आपने मेरे को बोला था मेरे पे अंडर पास लिखा था उस टाइम मेरा क्रू होता था वही एल्बम आई थी मेरी तो क्रू बनाया था तो मैंने फिर आपको बोला था कि ऐसे हम चंडीगढ़ में करते हैं साइफर्स वगैरह हाँ। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ सीन मैं बताने लगा तो आपने बोला ब्रो अभी मेरी कैब आ रही है तो ऐसा करके मैंने कहा ठीक है भाई ओके और फिर मैं और मैं कुर्सी खाता खाता वापस आ गया उसके पास वो बोला क्या हुआ मैं तो भाई सही है बढ़िया है वो अंडर पास ही कहानी है कि हमारे यहाँ पे एक अंडर पास है जहाँ पे हम जहाँ पे ना इलीगल दारू बिकती हम जाते थे वहाँ पे स्कोर वोर करने के लिए तो मेरे ने मैंने कभी सुना ना किसी और से सुना नहीं था कि अंडर पास है मेरे लगता तो फरिदात में अपना ही अंडर पास है तो शायद दैट वॉज द रीज़न बट उस दिन मेरे ने बहुत ना एक अजीब टाइम था बिकॉज ना मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा रैप की दुनिया से क्या रिश्ता है क्योंकि मेरे दोस्त आर्टिस्ट थे मैं लाया जा रहा था नॉन स्टॉप mm. नॉन स्टॉप mm. नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप mm. तो मुझे लग रहा था यार वैंको मैं ये क्या मैं कैं राजंसल लाइन पर निकलने वाला हूँ क्या मतलब अब मैं ये करूँगा बिकॉज मैं जनरली इंटरेस्टेड था मैं धंजी का शो भी इसलिए देखने आया था मैंने उसके गाने उस टाइम डिस्कवर कर लिए थे बट आई वॉज इन शोर कि इफ दिस इज अ वर्ल्ड आई वॉन्ट टू बी इन मोर एंड मोर एंड लाइक क्या मेरे को और आर्टिस्ट से मिलना है या नहीं मिलना ऑनस्टली मैंने उस टाइम पर मेरा वो था मैं भी आया था मैं देखने के लिए आया था सीखने के लिए आया था देखने के लिए कि दिल्ली में शो होते हैं धन जी अपना बड़ा भाई है हाँ. वो सीखा है प्यार है बहुत पहले से जानता है तो फिर आया देखने कि भाई हम, हमको भी करना है दिल्ली में दिल्ली फतेह करना है यार ये तो ये तो हार्डली एक डेढ़ साल पुरानी बात है तो एक डेढ़ साल पहले ही नहीं मिलते थे शो नहीं थे शो और फिर देखा कर दिया आके वापस बना दिया म्यूजिक डन सीन मैं तो देखने आया था क्या करते हैं दिल्ली में रैपर क्या करते हैं इवन जो धनजी वाला शो हुआ था प्यारा मैं मुझे तो, मुझे मुझे सिर्फ ये लगा नोट धनजीज परफॉर्मेंस उससे तो मैंने काफ़ी लर्न किया हाँ। मैं दिल्ली में मेरे को देखता तो परफॉर्म करते हैं, मैं समझ गया मैं क्या ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है परफॉर्मिंग में क्यों दिल्ली 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 की ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ही बहुत कम है लाइव में रैपरों से एज अपोज टू पंजाब एज सपोज टू आई डोंट नो वेयर बट इट इज टू मी इट इज़ वेरी वो कि 500 400 500 की 300 की टिकट लेके पीछे गाना लगा के आगे जो बंदा एक्ट कर रहा है उसका भी माइक इतनी नीचे है मतलब वो एक्ट भी नहीं कर रहा भी रियलिस्टिक लगे कि वो गा रहा है थोड़ा सा फिर पैसा वसूल काम नहीं है फिर तो वो है इसलिए जब मैं यहाँ पे शो करता हूँ मेरे को होता कि सबको पता है पीछे वोकल चल रहे हैं यार mm. ये तो वो स्पॉटी पे सुन लेगा वो गाना सुनने नहीं आता वो तेरे साथ वो गाना एंजॉय करने आता है कि तेरे साथ तेरा गाना एंजॉय करने को मिलेगा जो तू ही नहीं उसके साथ एंजॉय कर पा रहा उसको फील नहीं करा पा रहा वहां पे। इफ यू नॉट फीलिंग इट एक्ट गुड देन पैसा वसूल काम होना चाहिए कोई बंदा पैसा दे रहा है

जो मतलब उस टाइम पे अपने आप को दे चुके हैं आपको वो आपके साथ हैं सब छोड़ के वो आपके साथ हैं उस टाइम पे आप उनको बोलो कि आग लगा लो अपने आप को सारे आग भी लगा लेंगे उनमें से कुछ लोग इतने ज़्यादा वो आपके साथ वो रखे हैं उस टाइम पे सो यू शुड यू नो उनको पैसा वसूल वो काम देना चाहिए आपको स्टेज पे इस इस इस, इस थिंक आई जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड आई आई एक्ट हाउ आई एक्ट एंड आई नाउ आई आई यूज टू एक्ट नाउ आई डोंट इवन एक्ट ना ना आई रियली रियली रेली मीन इट आई डू स्टेज पे डेट इज अ डिफरेंट थिंग और वो तो उसी को फील हो सकती है जो मेरे शो पर आता है जो मेरे शो पर आता है उसको फील होगा कि हाँ भाई ये मेरे को मैं स्पोटिफाई प्ले लिस्ट नहीं सुना के क्या अपनी ये मेरे को ये साल है कि मैंने सुनी थी टेप पर जब इसने परफॉर्म करी तो बहन चो तो मेरे को समझ में आई कि फिजिकली क्या इसकी वो है मेरे हर हर म्यूज़िक का जब मैं गाना बनाता हूँ मैं डॉग्स को हमेशा बोलता हूँ मैं क्या एक का एक डांस भी होता है उसका एक उसका एक ना एक एक डांस भी है हर एक गाने का तो जो कलाकार अच्छा डांसर नहीं है ना वो उसके लिए बड़ा वो है आ, एक, एक चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ वो छोड़ रहा है फिर मैं नहीं बोलता कि डांस अच्छा करो पर अपने गाने की मूवमेंट को समझो बी like फिजिकल हाँ मतलब तुम्हारा गाना फिजिकली क्या कहना चाहता है तूने तु, बनाया है ना ये तूने बनाया है अगर तो तूने लिखा है और तू गा रहा है अपने वोकल में देन इसकी मूवमेंट भी होगी तेरे शरीर में एक वो फिर वो मूवमेंट भी चाहिए अपने को जो तू समझा पाए ऐसे आये माए मैं बात करते हुए आई यूज माई अ लोट वैसे हुँ. भी या जो भी है माई बॉडी है जैसे भी चलो वो नेचुरल है बट विद माई म्यूजिक भी मेरे को ये लगा कि हाँ वो आपकी बॉडी में एक हरकत होगी देखा कभी देखा मैंने उसका लाइव भी देखा है वो वाला फैमिली वाला हाँ देखा मैंने देखा है ए... हाँ तो वो है चलो वो तो बहुत एक उस्ताद लोगों के उस पर आ गए हम नहीं नुसरत देख लो ये, ये, ये हाँ नहीं वो यार वो लग गया ना फिर वो तो फिर कवाल है वो एक तरीके से गजल कवाल ही है गजल तो नहीं, तो नहीं, नहीं बात कही थी ना कवाल के बारे में मैंने मैंने पढ़ा था किसी सूफीजम की किताब के अंदर कि ना एक कबाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ऑडियंस की एक्सट्रेसी को मेंटेन करना क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया आपको कंप्लीटली तो आप ये नहीं कर सकते उसको उठा दिया वो तू मर मारा मैं अपने मैं, आप। मैं यही कहने वाला था कि म्यूज़िक को सुनने का तरीका भी होता है ठीक है हमारी म्यूज़िक को सुनने का तरीका है मैं नीचे चौकड़ी बिठा के नहीं सुना सकता लोगों को कि चलो चौकड़ी मार के बैठ जाओ अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं है पॉसिबल नहीं है मेरे म्यूज़िक में इवन सबसे ज़्यादा मेरा रोमांटिक गाना कौन सा है चलो 1987 है हाँ। उसको उसको करवा दो इन्जॉय लोगों को बोलो चौकड़ी मार के बैठो ये गाने चलाते हैं करो एन्जॉय नहीं आएगा मज़ा वही इनको खड़े कर दोगे उनको मजा आएगा कि हाँ चलो बीच बीच में ऐसे ही कर लेगा थोड़ा गाने का तरीका होता है सुनाने का भी सुनने का भी और सुनाने का भी तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऑडियंस ने सीख लिया सुनने का तरीका कि तीन सौ रुपये की टिकट लेंगे आके खड़े होएंगे एक दारू का लेंगे पाइंट लेंगे उन्होंने तरीका सुन, सीख लिया आप भी तरीका सीख रहे हो आर्टिस्ट इधर किस लाना कैसे है वो पकड़ लो फिर बढ़िया फिर बुरा तरीका क्या होता है बोला <laughs> नीचे माइक रखते हैं ऐसे ध्यान मतलब इधर यू हैव इट और यू डोंट यार सिंपल सी बात है आई हैव इट मे बी यू डोंट हैव इट मे बी आई डोंट नो मैं भाई मैं भाई ये बता सकता हूं सही तरीका क्या है अगर वो जानना है तो बताओ सही तरीका बता सकता हूँ क्या है? क्या है? क्या मेरे शो पे आ जाना? नहीं तो अभी यार पता नहीं ये कब आएगा उस हिसाब से कौन सा कौन भी? सा होगा पर मैं अपडेट देता रहता हूँ हाँ। मेरे, मेरे इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे वो सब चल रहा है अभी कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ा म्यूजिक हिसाब से कुछ चीजें प्लान करनी है वो डालूंगा जल्दी और मैं डालता तभी जब मेरे को करनी होती है पक्की फिर गाना भी एक हफ़्ते पहले ही डालता हूँ मैं पूरा मतलब अगर डालना है तो एक हफ्ते पहले ही डेट डालता हूँ और फिर बस ऐसा सीन है मेरा चंडीगढ़ की पंजाबी ना इजी टू तो अंडरस्टैंड है मैं ऑलमोस्ट सारे वर्ड नहीं समझ पाता एट्टी फाइव वो हुँ। 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 फिर वो अर्बन पंजाबी है ना शहरी पंजाबी है थोड़ी हाँ। वो शहरी पंजाबी है मैं मैं मतलब शहरी पंजाबी बोलता हूँ जब मैं पंजाबी बोलता हूँ एक्सेंट इतना पेंडू नहीं है इतना ठेठ नहीं है और कई लोगों को इसका बुरा भी लग जाता है कई पंजाबियों को यार ये तो बड़ी वो वाली पंजाबी बोलता है यार यू you नो know, थोड़ी सी शहरी बोलते हैं भाई बढ़िया है अच्छी लगती है सुनने को अच्छी लगती है और हम तो वो बोलते हैं ना जो हम बोलते हैं अगर हम इंग्लिश तो बोलते, तो बोलते हैं आप वो बोल लो जो आप बोलते हो सब बढ़िया है ऐसा सीन है मेरे को पता है अच्छे से मेरी पंजाबी बहुत हिंदी भाषी लोगों को समझ में आ जाती है आ, तो मैं कैसे अगर अगर तू प्योरली एक बोलते डोंट थिंक आई वुड लाइक अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग दैट्स हाफ द रीज़न

यू you नो know, मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मिला जो होते है यार ये तो मेरी कला को समझते नहीं, नहीं है नहीं, मैं बहन जो रह गया मैं तो ये कहना चाह रहा था भाई ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है ठीक है ऑडियंस को पता है उसको चाहिए क्या बंदे बोलते हैं ऑडियंस को थोड़ी ना पता है उसको क्या चाहिए ऑडियंस को नहीं पता उसको क्या चाहिए कहता कह रहा भाई तो भाई मैं, मैं यार मेरा क्या लेना देना रिक्रूटमेंट से मैं मैंने तो अपने तरीके से चलना ना जो मेरा काम जैसे चलता है हाँ। मेरी अप्रोच बढ़िया चल रही है जैसे मैं चलाता हूँ ठीक है तो मेरे मेरे फक रिक्रूटमेंट ठीक है आई डोंट केयर अबाउट हिम आई केयर अबाउट यहाँ पे ऑडियंस को पता है उसको क्या चाहिए उसको मस्ती करनी है उसको समझ में आए ना आए उसको यार इट इज़ लाइक माई लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर मी बिकॉज मैं इमोशनली कनेक्ट हो सकता हूँ लोगों के साथ अपने म्यूजिक के साथ लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर नहीं है जहाँ मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे मैं साउंड का यूज़ करता हूँ मेरा जो म्यूज़िक है मैं मैं बोलता हूँ मेरे को इंटरनेशनल जाना है मैंने पहले कई बार बोला कि मेरे को ऐसे जाऊँगा इंटरनेशनल सिर्फ पंजाबी बोल के वो तो साफ पोइट भी करता है वो तो किताबें फिर फिर भी थोड़ा तो ट्रांसलेट करके इंग्रेज सुनेगा ना मेरा साउंड चलेगा इसलिए मेरा साउंड हमेशा डिफरेंट होता है मेरे तीनों में उठाओ मेरे सिंगल उठाओ मेरी ई e उठाओ मेरा कुछ भी मेरे फीचर्स में वर्सेस देखो किसी में मैं ट्रैप में हूँ किसी में बूमैप पे हूँ मेरे साउंड चेंज होते हैं इसी वजह से कहाँ से मैं ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकता हूँ कैसे अपने साउंड के साथ परफॉर्मेंस तो है ही है चलो जो साला सुन के भी ना समझे वैसे ना वो देख के समझ जाए फिर फिर हम वहाँ से पकड़ लेंगे उसको पकड़ने हैं बस पकड़ने हैं उनको एंटरटेन करेंगे लोगों को लोगों को वैसे तो मैं चाहता हूँ कि चलो लोगों को थोड़ा सा खुश भी करते हैं थोड़ा है ना हंस भी ले लोग खुश भी हो जाए पर वो भी ना अगर कर सके तो कम से कम महसूस तो कराएं कुछ महसूस होना बड़ा जरूरी है ऐसा नहीं होना चाहिए यार आप बैठे हो किसने बाकी मुंडे का गाना चलाया चला बैकग्राउंड में चल रहा है और ध्यान ही नहीं गया hmm. बड़ी सीरियस बातचीत चल रही है हम दोनों की और मेरा गाना बजे वहाँ से आपका ध्यान जाए ऐसे करके कि यार कुछ बजा या कुछ बोला है इसने सुनता हूँ बाद में ये गाना कौन सा है तो महसूस होना चाहिए बी पैसिव पीछे लगा दिया हाँ, बज रहा है जैसे चलाते हैं हाँ मतलब वो कौन से रेस्टोरेंट वाले म्यूजिक नहीं <laughs> चला दिया बस ठीक है मतलब वो उसका भी एक श्रेणी है बनाता हूँ उसके कुछ गानों में पोर्शंस होते हैं फिर ऐसे मेरे 1997 में पोर्शन थे एंड में ऐसा पोर्शन डाल रहा था वो वहाँ पे रेलिवेंट कर देता है इस म्यूजिक को कैसे पहां? जो पहचास बंदे बैठे बैकग्राउंड में चला चला दो कोई चक्कर नहीं है सूदिंग भी है वो ही सूदिंग गाने भी हैं जब कर सकते हैं सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ मैंने ना गॉड इज डेड का एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर अपने अच्छा म्यूजिक डाल के मैं यॉट पे मैंने यॉट रेंट कर लिया देखना था कैसा लगता है लाइक आई गॉट इट फॉर वेरी चीप मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि लोग तो बड़ी फेंकते हैं यॉट वॉट जो करोड़ों का होता हुआ बहुत hmm. बहुत ही दो बंदों ने लिया था हमने यॉट hmm. दो दिन के लिए hmm. हमारे को सत्रह हज़ार रुपये का पड़ा था हाफ हाफ मैं जो

तो फिर मैंने करा कि यार अच्छा अब इस वर्ड्स को हो गया लेट्स लाइक सस्टेन इट तो वो टे जो ट्यून आती है तो मेरे को वो ट्यून बड़ी भाई जो शूटिंग के बाद चलती है तो मैंने कहा ये वाला लगाऊंगा मैं पार्ट उसके अंदर ना क्योंकि ये उस हॉराइजन के साथ भी मैच करता है मेरी मन की इमेज के साथ भी मैच करता है और मेरी करंट म्यूजिकल स्टेट ऑफ माइंड को भी मैच करता है कि मैं हॉराइजन तो देख रहा हूँ लेकिन मेरे मन में ये गाने भी चल रहे हैं

तो दोस्तों को बताते हैं कि हाँ यार ये सुना बहन तो बड़ा वो लगा ऐसा है मैंने तो बहुत सुना है हाँ। दोस्तों को मैं तो मैं अच्छा लगता है कुछ सुनता हूँ फिर मैं अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती सुनाता हूँ कि अब हम ये गाना सुनेंगे ये ना ये बंदा यहाँ से है ये ऐसे है, ये ऐसे है फिर देखता हूँ उनके रिएक्शन कौन किस पर रिस्पॉन्ड करता है क्या सीन है देखने के लिए कितना ये हमारे ग्रुप में परमिट करेगा इसका म्यूजिक किसी और आर्टिस्ट का म्यूजिक मतलब मेरा तो फुल टाइम यही गाना है मतलब मेरे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो मतलब सुनते हैं वो तो ऐसे दुआ मांगते हैं सुबह की ब्लो अप हो जाए फटाफट गेड कीपिंग वाला सीन नहीं मेरा मेरे को तो ऑडियंस उल्टा दुआ मांगती है इसका हो जाए भला हो इसका जो मैसेज मैसेज करते हैं ना लोग या जो मेरी इंटरेक्शन है फैंस के साथ क्योंकि मैं करता हूँ हाँ। रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ बढ़िया अपना बातचीत करता हूँ ऐसे बखच चौधा नहीं करता तो बख चौद करते हैं ऐसे ही फालतू में कि ये चूस लूँगा वो चूस लूँगा ऐसे रिप्लाई कर दो नहीं ऐसे जेनुनली कोई बंदा कुछ लिखता है तो मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ इतना अब नहीं कर पाता थोड़ा बहुत तो करता ही हूँ मैं what's next on the scene then i just came out what's next i'm um, i'm on my album now next album full length full length great production big collaborations fucking big album aur lekin time lagega to wo to chalo side hai uske alawa भी बहुत अच्छे project आ रहे हैं Visually बहुत expand करूंगा अब मैं इंडिया की मतलब जो सबसे बड़ी वीडियोस है वीडियोस दूंगा अभी मैं धीरे धीरे कुछ महीनों में यूजुअली बहुत कुछ बड़ा करूंगा पैसा कमाऊंगा बहुत सारा और ये है बस अभी तो काम काम जो है मेरा जो आने वाला है वो बताएगा अब तो क्या है मैं तो काम कर रहा हूँ बस अब देखते हैं काम बताएगा क्या है मेरा तो यही है थैंक यू ब्रो हाँ भाई थैंक यू सो मच आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा <laughs> <laughs> मुझे तेरा म्यूज़िक सुन के साथ साक्षात मिल के हाँ, हाँ जी बात करके बिल्कुल और डिड दिस पॉडकास्ट इज़ अ फैन ऑफ योर म्यूज़िक थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच रिस्पेक्ट इज सेम हमारी साइड से भी आपके लिए पर हाँ, तो मैं स, मेरे को ऊपर सत्या वाला वो बंदा अच्छा नहीं लगता सही में मेरे को मेरे को ये पसंद ये है भीकू मात्रे भीकू इज लाइक मैं भीखू मात्रे का वो सुन के मुंबई हाँ। में गया था रजत कपूर सर के ऑफिस में अच्छा। वो करता था मैं वीडियो मतलब ऑडिशंस लेता था लोगों के अच्छा। कास्टिंग एसोसिएट हाँ। बन के गया था मैं हाँ। तो जब सब चले जाते थे ना हाँ। तो मुंबई में नया नया आया था मैं और डेढ़ महीने के लिए था कॉलेज के बीच में तो मैं सब चले गए छः बजे पाली हिल के अंदर उनका ऑफिस है

तो उसको जो खड़ा किया ऊपर वो कांप रहा था असल में और बोल रहा था बहन मेरे को उतार दो उतार दो उतार दो और बाद में डब किया है ऊपर से hey! है ये सच्चाई है उस शोट की नो no वो इसने इंटरव्यू में बोला ऐसे तो मैं, मैं मेरे को भी देख के लगा मैं यार ये शोट तो बहन ऐसे लिया है तो वही है भाई मतलब आई विश लाइक भीको को भीको और... मारा बड़े गंदे तरीके से यार उठा करके बहुत बहुत जैसे ऐसा नहीं होता पर यार मेरे को हाँ। ना वो नहीं लगा जैसे ऐसे करके वो मरता है ना जब आ, ऐसे करता है हाँ। ना वो ज्यादा है यार इतना ही मतलब तो गोली लगती है ऐसे हां ऐसे करना चाहिए बंदा स्क्रीन टाइम कम था उसको लाइक यू वुड वांट टू सी मोर ऑफ भीको या या ऐसा करता है वो जो उसकी पत्नी है आई डोंट रिमेंबर एक्टर यार वो उसका नाम भूल गया मैं सारिका नहीं सारिका नहीं है yeah. उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी जो जो जब वो लड़ते हैं उसको चाटा मारता है वो जब आता है वहाँ से सत्या उसको लेके आता साथ में याद नहीं चाटा याद देखते हैं भाई दोबारा देखते हैं एक बार आज रात तो है। है। पता नहीं एनीवे ब्रो हाँ जी थैंक यू सो मच फॉर ऑन दोस कास्ट थैंक यू फॉर योर म्यूजिक एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू फरीदाबाद या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर भाई थैंक यू सो मच माय प्लेजर ब्रो थैंक यू एंड